बहुत सारे हाई प्रोफाइल अमीर लोग आपके पास आते हैं डाइट्स लेने के लिए पहले फैट लॉस को एड्रेस करेंगे क्योंकि आई फील इट्स द मोस्ट तो जनरल प्रॉब्लम 90 परसेंट अगर आपको वेट लॉस करना है अवॉइड दी ऑब्वियस आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स पापड़ पापड़ एकदम खराब है हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते थोड़ा बताइए सब्जी को कैसे पकाना चाहिए आयन की कढ़ाई ले लें बट नॉट नॉन स्टिक के मैं फेवर में नहीं क्यों बिकॉज इंडिया में सबसे पहले एक ही चीज मम्मी कहती है पेट भर के खा बेटा उसको हम डिस्टर्ब करते हैं हम कहते हैं आप पेट भर के मत खाओ बच्चों के लिए भी सबके लिए मतलब अगर आप हर दिन ठूस के खा रहे हो तो आपके कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं बाद में भारत में सबसे कॉमन डाइट प्रॉब्लम ये है कि हम प्रोटीन कम खाते हैं सबसे ज्यादा मांसाहारी हैं उनकी डाइट में इतनी प्रॉब्लम नहीं मिलती हमें उनके अलग टाइप की प्रॉब्लम मिलती है वो ज्यादा खाते हैं सारे वेजिटेरियन जो आपके पास आते हैं आपको उन्हें कहना पड़ता है कि प्लीज प्रोटीन खा लो अभी ज्यादा प्रोटीन खाने लगे हैं भी। ज्यादा प्रोटीन क्या होता है स्पेशली छोटे शहरों में ना लेडीज घर को छोड़ नहीं सकती अलग अलग रीजन की वजह से तो घर पर बैठ कर किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते बारह घंटे की ब्रेक रहनी चाहिए

अगर आप एक मेल व्यूअर हो तो प्लीज अपने मम्मी के साथ बहन के साथ वाइफ गर्लफ्रेंड के साथ बैठ कर ये पॉडकास्ट सुनिए देखिए अगर आपको सीखना है और अप्लाई करना है इस पॉडकास्ट के लर्निंग्स को खुद की जिंदगी में तो एक नोटबुक पेन और पेपर लेकर बैठिए क्योंकि आज की गेस्ट है सुमन अग्रवाल वन ऑफ द टॉप डायटिशियंस इन आवर कंट्री बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स हमारे देश के सबसे बड़े ऑन्टरप्रनोर्स इनसे कंसल्टेशन लेते हैं खुद के वेट लॉस फैट लॉस और हेल्थ ओरिएंटेड जर्नीज के लिए ये इन अ वे एक फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन है पूरे भारत के लिए मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि बैठ कर चीज़ों को नोट करो और खुद के लाइफ में इन लर्निंग्स को अप्लाई करो ताकि आपकी हेल्थ की जर्नी फैट लॉस की जर्नी इस पॉडकास्ट से शुरू हो जाए इस पॉडकास्ट के शुरुआत से पहले बस ये कहना चाहूँगा कि हमारी खुद की माइंड परफॉर्मेंस ऐप लेवल सुपर माइंड ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर लाइव हो चुकी है उसे हमने लिंक किया है नीचे इस पॉडकास्ट के दौरान भी उस ऐप की मेंशन हुई थी बिकॉज इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर हेल्पिंग विथ योर मेंटल हेल्थ एंड योर लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिंग ऐप है लेवल सुपर माइंड पर यह पॉडकास्ट भी है बहुत ज्यादा वैल्यू एडिंग बिकॉज इट्स सुमन अग्रवाल इन द हाउस डी आर एस बहुत ही ज्यादा स्पेशल और डिटेल्ड एपिसोड रहेगा आज का प्लीज़ एक नोटबुक एक पेन और पेपर साथ में लेकर इस एपिसोड को देखिए आइडियली मम्मी के साथ बैठकर इस एपिसोड को देखिए क्योंकि आज हम डाइट्स के बारे में बात करेंगे काब्स फैट्स प्रोटीन फैट लॉस इन सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे बहुत झट से बहुत डिटेल में क्योंकि आज हमारे साथ है सुमन मैम सुमन मैम वेलकम टू टीआरएस थैंक यू रणवीर बहुत बहुत खुशी हुई यहाँ आकर और आपको मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मेरा मेरा मन है कि आज के एपिसोड से काफ़ी लोगों को जो मिथ्स हैं जो कि भ्रांति है काफ़ी चीज़ों के बारे में वो टूट जाएं और वो अपनी हेल्थ को और सेहत को और अच्छा बनाएं वो हमारा रहेगा एम इस एपिसोड का पहले एक रूड चीज़ कहना चाहूँगा तो प्लीज़ डोंट माइंड मैम कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल अमीर लोग आपके पास आते हैं बॉम्बे में डाइट्स के बारे में जानने के लिए डाइट्स लेने के लिए आ, तो आप कितने साल से इस प्रोफेशन में आ, अपने करियर को ग्रो कर रहे हो ये थोड़ा बता दो ताकि लोग जाने कि वो किन की राय ले रहे हैं तो मैं इस प्रोफेशन में 24 साल से हूँ मैंने सेकेंड अप्रैल को शुरू किया था और बट देखा जाए तो उसके पहले ही शुरू हो गया था बिना पढ़ाई किए मैं लोगों को ऐसे ही बताती हूँ चाहे आपको ये तकलीफ आप ये कर लो आपको ये तकलीफ है वजन गिराना आप ये कर लो बिना पढ़ाई किए तब तो मुझे लगा ये तो नीम हकीम खतरे जाना <laughs> तो उसके बाद मैंने इसकी पढ़ाई की एंड 2001 से शुरू किया क्या होती है इसकी पढ़ाई न्यूट्रिशन फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स ओके एक्चुअली मेरे ख्याल से इसकी लाइफ लॉन्ग पढ़ाई भी होती है क्योंकि चीज़ें बदलती रहती है साइंस mm. आगे बढ़ता जाता है तो ट्वेंटी में भी डायट्री एडवाइस हल्के से बदलती जा रही है ना एब्सल्यूटली हमारे नीड्स बदलते हैं हमारी एक्टिविटीज़ बदल रही हैं हम ज़्यादा ऑटोमेशन में जा रहे हैं जो हम अगर मैं पच्चीस साल पहले की बात करूँ तो जितने कदम हम लेते थे चलो अगर बिना एक्सरसाइज के अगर हम पाँच हज़ार कदम भी ले लेते थे आजकल तो आप डेढ़ हज़ार भी नहीं ले पाओगे दिन में बिना एक्सरसाइज किए तो हमारे कदम कम हो रहे हैं हमारे और जो पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है तो खाना जो क्वालिटी है वो अलग हो गई है तो काफ़ी कुछ बदल गया है उसके हिसाब से हमको हमारा न्यूट्रिशन प्लान भी पूरा बदल के देना पड़ता है मतलब कुछ ट्वीट करना पड़ता है पूरा नहीं बदलना पड़ता इस एपिसोड के लिए मैंने ये सोचा था कि हम एक टाइम डेवलप करेंगे ताकि लोगों को एग्जैक्टली exactly एक जनरल डाइट तो मिल जाए पर जनरल डाइट जैसी चीज़ होती है या हर इंसान की बॉडी अलग होती है और उस हिसाब से उनके ब्लड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको डाइट बनाना पड़ता है हमारे सबके फिंगर टिप्स अलग फिंगरप्रिंट्स अलग हैं हमारे नीड्स अलग हैं सबका डाइट अलग होता है ओके okay. चूँकि आप एक खुद इंडिविजुअल हो आपके सब आ, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने सेम डाइट आज तक किसी को दिया है ओके okay. और सो ब्लड रिपोर्ट्स है उनकी खुद की जरूरतें हैं जो वो क्या खाना चाहते हैं उनकी क्या 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 डिजीज से वो सफ़र करते हैं क्या उनकी तकलीफ़ें हैं और उनके टाइमिंग्स क्या हैं कितने बजे सोते हैं कितने बजे खाते हैं कितने बजे वो एक्सरसाइज करते हैं उसके हिसाब से हमको डाइट पूरा चेंज करना पड़ता है ओके इट्स वेरी वेरी डिफरेंट जैसे कोई भी डाइट मेरे सामने आता है इट्स लाइक अ पज़ल फॉर मी और मेरे को सारे पीसेस जोड़ा के उनको एक ऐसा डाइट देना पड़ता है जिससे कि वो खुश रहें आज तक हम लोगों ने एक भी ऐसा डाइट नहीं दिया जो कि वो आदमी ये बोले कि भाई मैं खुश नहीं हूँ ये खा नहीं सकता मैं hmm. क्योंकि आ, मेरी माँ हमेशा एक ही बात कहती थी कि खाओ मनपसंद पहनो जग पसंद <laughs> तो हम जो आपको पसंद है हम कभी नहीं देंगे ओके okay. uh, पर फिर भी आज हल्के से कुछ जनरल डाइटरी गाइडलाइंस हम शेयर कर सकते हैं ज़रूर जरूर ओके okay. uh, वैसे मुझे टाइम को एड्रेस करना मोस्टली आई थिंक वुमेन ये एपिसोड देख रहे हैं एंड मैंने ये नोटिस किया है हमारे डेटा के अकॉर्डिंग कि मोस्टली स्पेशली भारत में गर्ल्स का प्रॉब्लम फैट लॉस रहता है ये मैंने नोटिस किया ये गलत है ये कहना बिल्कुल भी नहीं ओके okay. मतलब कुछ कुछ लोग वेट गेन uh, के लिए कंसर्न रहते हैं तो इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करेंगे पहले फैट लॉस को एड्रेस करेंगे क्योंकि आई फील इट्स द मोस्ट जनरल प्रॉब्लम नाइन्टी परसेंट और फिर उस टेन परसेंट के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे जरूर तो बताइए मैम फैट लॉस के बारे में कहाँ से शुरुआत करें <laughs> सो फैट लॉस में ऐसा होता है कि जो वेट लॉस और फैट लॉस एक ऐसी चीज़ है जिसपे कि हम बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं बोलते कि हम तो हम लोगों ने मीठा खाना छोड़ दिया कोल्ड ड्रिंक छोड़ दिया अल्कोहल छोड़ दिया काब्स भी छोड़ दिया एक्सरसाइज भी खूब कर रहे हैं बट वज़न नहीं जा रहे हैं तो हम लोग वी आर एक्चुअली हेल्थ डिटेक्टिव हम लोग डिटेक्टिव होते हैं हम हमारा काम होता है खोजना इस चीज़ को खोजना कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है तो उनके हार्मोन सही हैं कि नहीं हैं उनका एक्सरसाइज किस टाइम पे कर रहे हैं कितना वो सो रहे हैं बहुत फैक्टर्स डिपेंड करते हैं बट अगर जनरल हम देखा जाए फैट लॉस के लिए आ, एक बैलेंस होता है माइक्रोन्यूट्रियस का विच इज़ प्रोटीन फैट्स काब्ज एंड फाइबर उसको हम आ, एक परफेक्ट बैलेंस में बनाते हैं फॉर जो तीन दिन के आहार हैं जैसे ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर वो जो तीन मेन आहार होते हैं हमारे उन पर एकदम परफेक्ट बैलेंस करके देते हैं क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं फैट लॉस के लिए वेट लॉस के लिए बट वो एक इट्स लाइक like, uh, आप घोड़े को एक ब्लाइंडर दे देते हो वैसे है हम उनको बोलते हैं कि आप ये ब्लाइंडर से मत चलो यू हैव टू हैव अ थ्री सिक्सटी डिग्री व्यू आपके हेल्थ के लिए वो जब से ज़रूरी है यानी कि अगर सिर्फ फैट लॉस पर फोकस किया तो हेल्थ को प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम ओके तो वो फैट लॉस के लिए आते हैं बट हमारा पूरा टीम इस चीज़ के लिए ट्रेंड होता है कि उनकी हर तकलीफ को खोजो और उसको ठीक करो साथ में जैसे कि अगर आपको बी ट्वेल्व डेफिशेंसी है डी थ्री डेफिशंसी है आयन डेफिशियंसीज हैं और हॉर्मोन्स इधर उधर जा रहे हैं या कुछ डायबिटीज़ के तरह बढ़ रहे हो बैक पेन है नी पेन है हेयर लॉस है स्किन प्रॉब्लम है हम सबको एड्रेस करते हैं अलॉन्ग विथ वेट लॉस सबसे पहले तो तो इसके लिए हमको बैलेंस डाइट देना बहुत जरूरी होता है जैसे कि प्रोटीन फैट कार्ब्स एंड फाइबर फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर हम कहते हैं इसको फोर पिलर्स ऑफ आर न्यूट्रिशन इट्स कॉल्ड फोर एक्स डाइट हम इसको फोर एक्स डाइट बोलते हैं बिकॉज फोर एक्स फोर एक्स जैसे हम हम ये कहते हैं कि चार मील जरूरी हैं ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स डिनर देन दे शुड बी फोर आवर्स अ पार्ट अगर आपने नाश्ता नौ बजे लिया तो आप लंच एक बजे लें शाम का नाश्ता पाँच बजे और डिनर नौ बजे सो so, ये जो बारह घंटे का गैप है और आपको फास्टिंग करना है फॉर ट्वेल्व आवर्स नौ से रात के नौ से लेके सुबह के नौ बजे तक आपको फास्टिंग रहना है ये ये सेहत के लिए अच्छा होता है आइए मैं कुछ नया बता रही हूँ सारी जिंदगी हम यही सुनते आए हैं जी राइट यही तो टाइम रहता है क्योंकि पेट को एक ब्रेक मिल जाती है पेट को ब्रेक भी नहीं और हमारा जो शरीर है उसको रेगुलर रूप से न्यूट्रिशन मिलता है और हम बिंज नहीं करते अब जैसे कि आपने अगर लंच एक बजे किया है और आप नाश्ता पाँच बजे के बजे छः या साढ़े छः बजे कर रहे हो आपका आपकी जो भूख है वो छः बजे ख़त्म नहीं होगी इतना सा खा के जो आपने सोचा है आप सात बजे भी खाओगे आठ बजे भी खाओगे सोने के पहले भी कुछ खाओगे हंड्रेड परसेंट वो मैंने खुद के पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है तो हमारा काम है फोर मील्स फोर आवर्स अपार्ट एंड उसमें से थ्री मील्स बैलेंस विथ प्रोटीन फैट काब्ज एंड फाइबर ये हमारा एक फॉरक्स डाइट है जो कि हम सबको बताते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच वी आ, सब जिसको हम सबको बताते हैं कि मैंने एक किताब पढ़ी थी ओकिनावा के बारे में इट्स एन आइलैंड जो कि जापान में है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेंटीनरियंस रहते हैं जो कि सौ साल से ऊपर जिंदा रहते हैं बट सौ साल से ऊपर मतलब इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी बट क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना उनकी क्वालिटी ऑफ़ लाइफ इज़ आल्सो वेरी गुड उनकी सेहत भी अच्छी रहती है सेहत अच्छी रहती hmm. है फील्ड्स में काम करते हैं ब्रेन अच्छे से चलता है सब कुछ मैनेज करते हैं तो उसके ऊपर अमेरिका ने रिसर्च किया कि वहाँ पे ज़रूर कुछ एलेक्जर होगा अमृत होगा जिसकी वजह से वो लोग सौ साल से ऊपर अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं तो मैंने वो किताब पढ़ी तो ऑफ़कोर्स मैंने देखा वो क्या खाते हैं उनका आहार क्या था मेरा काम ही है ये सबका आहार पूछना आप क्या खाते हो और आपके क्या तकलीफ है तो मैं को करती हूँ तो उनका एक उनकी एक चीज़ है थ्योरी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी जो कि मैंने खुद अपनाई खुद ही नहीं अपनाई अपने जो कुत्ते का नाम भी वही रख दिया डॉग का इट इज़ कॉल्ड हारा हाची बू सो okay. so, हारा हाची बू मीन्स यू ईट टिल योअर एटी फुल ओके okay. अस्सी प्रतिशत आपका हाँ, पेट भरना चाहिए आपका अस्सी प्रतिशत जब आपको ऐसे एक और रोटी खाने की भूख हो या एक और छोटा बोल राइस खाने की भूख हो आपको उसके पहले ही बंद कर देना है उसका एक साइंटिफिक रीजन है जो मैं बताऊंगी आपको तो सबसे पहले आप समझे कि हम एट्टी परसेंट जो खाते हैं उससे क्या क्या फायदे होते हैं हम अगर पेट भर के खाते हैं तो क्या होता है इंडिया में सबसे पहले एक ही चीज़ मम्मी कहती हैं राइट पेट भर के खा बेटा है कि नहीं तो उसको हम डिस्टर्ब करते हैं हम कहते हैं आप पेट भर के मत खाओ बच्चों के लिए भी सबके लिए जब भी ठूस ठूस के खाना नहीं खिलाना है उसके बाद हमको आदत हो जाती है कि जब तक हमारे स्टमक में वो सटाइटी लेवल तक हम नहीं खाते तब तक ये घंटी नहीं बचती और हम खाते जाते हैं लेवल को आप कैसे समझाओगे? संतुष्ट <laughs> संतुष्टिया पेट की संतुष्टि पे एकदम पेट भर के खाए एकदम संतुष्ट हो गए आप तो ऊपर तक आ रहा है गले तक आ रहा है खाना वो सब कहते हैं जी, तो हमको इसको ब्रेक करना है इसको हमको तोड़ना है इस धारणा को क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने सेटाइटी लेवल या संतुष्टि से ज्यादा से भी ज्यादा खाते हैं या उतना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में जाने के बाद उसमें होता क्या है खाना जो है जो भी आपने लंच खाया या दोपहर का खाना खाया या ब्रेकफास्ट खाया तो वो तीन घंटे तक आपके पेट में पचता है तीन घंटा रहेगा और तीन घंटे में होता क्या है काफ़ी गैस्ट्रिक जूसेस जाती हैं पेट में सिक्रीट होती हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है जो बैक्टीरियाज को बर्न जलाता है या मारता है तो अब ये इसकी तो जगह है नहीं क्योंकि हम लोगों ने खाना पेट भर खा लिया अब ये जो गैस्ट्रिक जूसेस जो और आती हैं वो बीस प्रतिशत पेट भरने के लिए भरती हैं इसकी वजह से स्टमक हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जी तो वो जो बड़ा स्टमक है अगली बार खाने के टाइम पर वो आपको फिर से सटाइटी लेवल्स उलाने के लिए उतना ही ज़्यादा खाना मांगेगा इसी तरह से एक इंसान का वज़न पच्चीस साल के बाद में बढ़ते जाता है 25 साल तक वी आर इन ग्रोथ स्पर्ट हम हमारी ग्रोथ uh, होता है हमारा 24 साल तक चाहे लेडीज हो चाहे मेन हो सबके एक ग्रोथ होती है 24 साल तक तो उस वक्त तक ठीक फिर भी ठीक है बट उसके बाद में वो हमारा वजन बढ़ने लगता है क्योंकि हमारा स्टमक साइज क्योंकि स्टमक जो है एक फ्लेक्सिबल बैग जैसा होता है ओके okay? तो वो हमेशा थोड़ा थोड़ा खाना मांगता है और हमारी भूख हमेशा बढ़ती जाती है तो अब इसका तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गया कि स्टमक की साइज बढ़ गई आप ज्यादा खाना खाते हो वजन बढ़ता है जब भी भी हम खाना खाते हैं तो हम अगर लिमिटेड रूप में खाते हैं अल्पा आहार सो उसको हम 80 प्रतिशत प्रतिशत वाली चीज़ को हम बोलते हैं अल्पा आहार एक्चुअली जापान जाने की जरूरत ही नहीं थी यहीं पर <laughs> मौजूद <मुझूँ> था <laughs> मतलब हमारे संस्कृति में ऐसी चीज़ है है yes, अल्पाहार कहते हैं उसको काफ़ी योगी मुनि और काफ़ी जो ऋषि होते हैं वो अल्पाहार को बहुत मन से इस चीज़ को मानते हैं तो हम जब खाना हमारी ज़रूरत के अनुरूप खाते हैं ज़्यादा नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेंट्स भी कम पैदा होते हैं तो जो ऑक्सीडेंट्स की वजह से हम जो बोलते हैं ना कि कैंसर सेल डेवलप होते हैं एक्स्ट्रा ऑक्सीडेंट तो हम इसकी वजह से एंटी लेते हैं उसको ठीक करने के लिए इट्स ऑल अबाउट दैट मतलब अगर आप हर दिन ठूस के खा रहे हो तो आपके कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं बाद में नहीं सो ज़्यादा हम खाते हैं तो ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा डेवलप होते हैं विच कैन कॉज अदर प्रॉब्लम्स सबसे पहले तो वेट गेन वेट गेन की वजह से आर्टरीज़ में प्लाटफॉर्म हो जाते हैं जो गंदगी जिससे कि हार्ट अटैक वगैरह आते हैं उसके बाद लिवर फैटी हो जाता है उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है आपका बॉडी बोड़, आपकी बॉडी ग्लूकोज को ठीक से मेटाबोलाइज़ नहीं कर पाती है जी. तो एक वो प्रॉब्लम हो जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वज़न बढ़ने की वजह से नी पेन हो जाता है बैक पेन हो जाता है पेट पर पे वज़न बढ़ने की वजह से तो एवरी इज़ रिलेटेड टू दैट तो hmm. इसी को हम डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको एक कहानी बताऊंगी मैं एक आ, मेरी बहन है उसके उनके दादा ससुर से मिली तो मैंने देखा कि वो 85 की उम्र तक खुद जाके सब्जी खरीद के लाते थे एकदम फिट थे दुबले पतले मैंने कहा दादाजी आपकी सेहत का राज क्या है उन्होंने बताया मुझे मारवाड़ी में बट मैं हिंदी में बोलती हूँ कि मैं अपनी भूख से कम खाता हूँ रोज़ व्यायाम करता हूँ और रोज़ घूमने जाता हूँ मारवाड़ी में भी कह दो हाँ <laughs> तो मैं मेरा भूख सा कम खाऊं और रोज़ घूमने जाऊं और रोज़ मैं व्यायाम करूं तो उन्होंने ये बताया तो इमेजिन एक छोटी सी चीज़ है और इसको ही हम भूल जाते हैं और हम जो बोलते हैं ना कि ग्रीड जी हुँ? उसको लेके हम खाते जाते ये पसंद आई ये चीज़ बस इसको खाते जाओ इस चीज़ को अगर हम भूल जाएं 80 और 20 को ध्यान रखें तो दैट इज़ द फोर एक्स जो ये जो हमारी थ्योरी है इट इज़ फोर एक्स मैं ये चाहता हूँ कि लोग एक पेन और पेपर लेकर ये एपिसोड देखें तो आपने दो की पॉइंट्स बताए अब पहले वो अल्पाहार यस yes, अल्पाहार मतलब 80 परसेंट पेट फुल रहना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं ठूसना नहीं चाहिए खाना <laughs> दूसरा फैक्टर ये कि बारह घंटे की ब्रेक रहनी चाहिए आपके सेहत के लिए क्या बारह से ज़्यादा रहना चाहिए अभी आपको पता है इंटरमीडियंट फास्टिंग का वर्ल्ड है टाइम है तो हम 12 घंटा से मैक्सिमम 13 घंटे पे जा सकते हैं उससे ज़्यादा हम मसल लॉस करते हैं एसिडिटी बढ़ती है इरिटेशन uh, बढ़ता है और भूख ज़्यादा लग जाती है तो हम 12 घंटा ही मानते हैं अच्छा ये 16 घंटे का लॉजिक कहाँ से आया था हमारे जो भी हम फैड फॉलो करते हैं जो कि न्यूट्रिशन uh, की इंडस्ट्री में होते हैं मतलब ट्रेंड्स आ जाते हैं ट्रेंड्स है। हाँ तो हमारा काम यही है कि उसको साइड में करते जाना और क्लियर पाथ बताना हमारे क्लाइंट को कि ये फैड्स हैं थोड़े दिन जिंदा रहेंगे बाद में चले जाएंगे जैसे कि टू थाउजेंड टू थ्री में आया था लिक्विड डाइट लोग पानी पूरी का पानी पे और बहुत कम खाने पे ज़िंदा रहते थे दुनिया भर का वजन कम कर रहे थे बाद में आया पेलियो डाइट कि कुछ रॉ फूड खाओ उसके बाद आया इंटरमीटेंट फास्टिंग दैन कीटो डाइट तो इन सब में ये जितने भी डाइट थ्योरीज हैं ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर लोगों को ही सूट होते हैं सबके लिए नहीं जी, हर इंसान की बॉडी अलग होती है एग्जैक्टली exactly. तो हम इसको अब जैसे कि सब इंटरमीडियंट फास्टिंग लेके सब आ, उसी पे वज़न कम कर रहे हैं बट मैंने कितने जनों को देखा है वापस आ रहे हैं हमारे पास वज़न बढ़ गया है और हेल्थ इश्यूज़ हो गई हैं स्किन प्रॉब्लम हो गई है मसल लॉस हो गया है फैट बढ़ रहा है उनका तो ये सब हम काफ़ी देखते हैं हमारे करियर में तो हम उनको बताते हैं कि आप फैट्स पे मत जाओ आप 12 घंटे की फास्टिंग रखो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अभी आई के बारे में आया था न्यूज़ में कि हार्ट पे इफ़ेक्ट होता है तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आई के हार्ट पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा तो एक केस आया मेरे पास रियाज से फ्रॉम सऊदी अरेबिया वो इंडियन था और उसके हार्ट पे इतना बुरा असर आया आई की वजह से कि अभी इरिवर्सिबल डैमेज हो गया उसका क्योंकि वो काम कर रहा था सोलह घंटे आठ घंटे भी नहीं सोता था और खाना खाता था केवल आठ घंटे इतना इम्बैलेंस हो गया उसकी लाइफ में कि उसके हार्ट पे असर आ गया hmm. तो इतना जैसे कि इस पर जब इन्होंने आई आई डोंट नो विच वेबसाइट कौन सी वेबसाइट ने या कौन से न्यूज़ चैनल पे आया ये किंतु इसके वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है हम तो पूरे टाइम देखते हैं आई की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है बट ऐसा नहीं है कि ये सबको सूटेबल नहीं है कुछ लोगों को सूटेबल हो सकता है जी डजन सूट मी और मैं प्रमोट नहीं करती बट कोई मेरे पास आई लेके आता है कि मुझे यही फॉलो करना है तो हम उसको डाइट अच्छा और हेल्दी बना के दे देते हैं वो हमारा जॉब होता है और हम मैक्सिमम हम बिलीव करते हैं कि चौदह घंटे से तो ज़्यादा आई करना ही नहीं चाहिए मेरा लॉजिक है कि हर इंसान की बॉडी अलग है तो आपको 22 साल की उम्र के बाद ही हल्के से आ, कुछ ग्राउंड रूल्स फॉलो करने चाहिए डाइट hmm. के लिए पर हल्के से छोटी मोटी एक्सपेरिमेंट्स करनी चाहिए ताकि आपको खुद के बॉडी के बारे में थोड़ा सा पता चले एग्जैक्ट exactly. इस खाने की वजह से मेरी बॉडी में क्या हो रहा है और इस डाइट की वजह से मेरी मेरी बॉडी में क्या हो रहा है फिर से और एक एक मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमारा फोर आवर्स का लॉजिक है उसमें ये मैं नहीं कहती हूँ कि आप चार घंटे के बाद ही खाएं फोर आवर्स आपको फास्टिंग ही रहना है उसमें फिलर्स हैं फिलर्स में कोकोनट वाटर ले लीजिए बटर मिल्क ले लीजिए विच इज़ अनाज नहीं होता वो हम खा सकते हैं कोकोनट वाटर छास फ्रूट सेलेड सूप जो भी नॉन अनाज आइटम है टी कॉफी हम वो ले सकते हैं जैसे आपने नौ बजे नाश्ता किया एक बजे के लिए ज़रूरी नहीं आप इंतजार करो आप ग्यारह बजे कुछ चाय कॉफी ले लो पर उसके साथ कुछ खाना नहीं है उसके साथ कुरमुरा नहीं खाना बिस्किट नहीं खाना ये सब नहीं खाना सिर्फ लिक्विड चीज़ है लिक्विड और साथ में नट्स ले सकते हैं नट्स आर ओके टू थ्री पीसेस फ्रूट्स आर ओके कौन से सैलेड्स आर ओके कोई भी फ्रूट्स कोई भी सैलेड्स बना के ले सकते हैं जो अनाज नहीं होता अनाज okay. क्या होता है जो कि हमको मिलता है जिसको तीन घंटे से ज़्यादा लगते हैं दो से तीन घंटे से ज़्यादा लगते हैं डाइजेशन में तो अगर आपने दो घंटे पे ही खा लिया तो आप आधा फूड डाइजेस्ट हो गया उस पर और खाना आ गया तो गैस और एसिडिटी बढ़ जाती है पित्त और वायु तो इसकी शिकायत बढ़ जाती है खाना प्यूटिफाइड हो जाता है तो इसकी वजह से हम कहते हैं मिनिमम तीन घंटा जैसे आपने नौ बजे खाया तो बारह बजे भी आप खा सकते हो मिनिमम थ्री आवर्स मैक्सिमम फोर आवर्स का गैप रहना चाहिए तो तीन घंटे जिससे कि एसिडिटी गैस नहीं हो खाना ठीक से डाइजेस्ट हो चार घंटा इसलिए कि चार घंटे को क्रॉस करते ही एक हमारे बॉडी में ग्रेलिन लेवल होता है ग्रहलिन मतलब उसका भूक, मुझे भूख वाले हो भूख वाली लेवल हाँ जितनी भूख आपको लगती है हाँ वो ट्रिगर हो जाती है और वो एक बार ट्रिगर होती है तो वो शांत नहीं होती थोड़ी लंबे टाइम तक वो हमारा काम यही होता है कि ग्रहलिन लेवल को एक्साइट नहीं करना उसको रिलीज नहीं करना बोलते हैं ना कि शेर शेर होता है हमारे उसमें भूख के रूप में तो उसको रिलीज़ नहीं करना चाहिए हमको और हमको उसका उसका लेवल उसका बढ़ने के पहले ही हमको खाना खा लेना चाहिए चार घंटे के अंदर ही ओके okay. फिर से बहुत सारे पॉइंट्स थोड़े से ब्रेक डाउन करने ऑडियंस को ये रिमाइंड करूँगा कि प्लीज लिखते जाओ चीज़ें कुछ कोर रूल्स हैं, उन्हें भी याद रखो जो आपने कहा कि चार मेन मील्स होने चाहिए उनके बीच आ, अगर आपको कुछ फिलर फिलर लेना तो कोकोनट वाटर ले लो चाय कॉफी ले लोस छास ले लो अगर ज्यादा भूख लग रही है तो कुछ फाइबर वाली चीज सैलड सूप फिर लोग ना चार बार फ्रूट खाएंगे आप वजन बढ़ेगा मैं मानता हूँ कि जितना हो सके सब्जियाँ ज्यादा खानी चाहिए आ, दिन में एक बार फ्रूट खाना चाहिए अरे वाह आई आल्सो बिलीव करेक्ट एक बार फ्रूट खा लो बहुत, बहुत है फ्रक्टोज है इतना शुगर है फ्रूट में yeah. <laughs> कितनी सारी चीजों को ब्रेक डाउन करना आज <laughs> पर एनीवे <एन्य। laughs> तो चार मील्स 4 आवर्स अपार्ट जी प्रोटीन फैट कार्ब्स एंड फाइबर का बैलेंस होना चाहिए तीन स्पेशली तीन आहार में सुबह के नाश्ता दोपहर का खाना और रात के खाने में इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए अब जैसे मैं आपको दो ब्रेकफास्ट के ऑप्शन बताती हूँ आप बोलो कौन सा बैलेंस है कौन सा नहीं है अभी कोई बोलेंगे कि ऑरेंज जूस और पोहा बैलेंस है कि नहीं है <laughs> नहीं है एग्जैक्टली काब्स एंड काब्स बट पोहा के साथ में दूध ले लिया दही ले लिया तो बैलेंस है क्योंकि प्रोटीन आ जाता है प्रोटीन आ जाता है फैट भी आ जाता है दही में फैट भी होता है पो, आ, पोहा या उपमा में भी फैट होता है थोड़ा इसमें सब्जी जाती है तो फाइबर भी आ जाता है इस तरह का बैलेंस बनाना है हमको भारत में सबसे कॉमन डाइट प्रॉब्लम यह है कि हम प्रोटीन कम खाते हैं सबसे ज़्यादा मतलब पूरे पूरे देश में जो नॉन वेजिटेरियन जो हैं जो मांसाहारी हैं उनके डाइट में इतनी प्रॉब्लम नहीं मिलती हमें उनके अलग टाइप की प्रॉब्लम मिलती है वो ज़्यादा खाते हैं और जो वेजिटेरियन है वो तो हर जन को हम लोग को बैलेंस करके देना पड़ता है सारे वेजिटेरियन जो आपके पास आते आपको हैं आपको उन्हें कहना पड़ता है कि प्लीज प्रोटीन खा लो सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट आजकल थोड़ी जागरूकता हो गई है बल्कि अभी ज़्यादा प्रोटीन खाने लगे हैं वेजिटेरियन भी काफ़ी कुछ क्लास ऐसा है okay? ज्यादा प्रोटीन क्या होता है जैसे कि वो बोलेंगे हाँ मुझे काब्ज़ नहीं खाना है मैं सुबह चिल्लाई खाऊंगी ओके ओके okay, okay, okay. ठीक है और डिनर पे हम केवल पनीर और वेजिटेबल्स ही खाएंगे प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स तो इस तरह के भी लोग आते हैं अब उनको ये लगता है कि दाल में क्या काब्ज नहीं होते इनफैक्ट hmm. ये मैं ब्रेक करना चाहूँगी जो भी पल्सेज हैं इट इज़ अ सेकेंड क्लास प्रोटीन और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्रोटीन से डबल होते हैं जैसे आप अगर आपने दाल खा लिया बहुत सारा काब्ज भी मिलेंगे उस हाँ, दाल से उसमें okay. बहुत काब्ज ही मिलते हैं okay. तो बट इस तरह का ट्रेंड चल रहा है बट मोस्टली मैंने देखा है कि प्रोटीन कम ही होता है लोगों के डाइट uh, पहले हम नॉन वेज गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लिस्ट करेंगे और फिर वेज ऑप्शन uh, भी दे दो ताकि लोग उस खुद का डाइट चार्ट बना सके एटलीस्ट टू सम डिग्री नॉन वेज में चिकन फिश अंडे या सो वाइट मीट बेटर होता है विच इज चिकन एंड फिश और अंडा दैट इज़ नॉन वेजिटेरियन एंड उसमें चिकन में आप लीन मीट ले लो हुं? जो कि फ़ैट कम होता है फ़िश भी जो लो फैट वाले होते हैं वो ले लो तो ये चिकन फिश हो गया एंड uh, अंडे में अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है ऐसा नहीं है कि योग से भरता ही है कोलेस्ट्रॉल काफ़ी लोगों का भरता है काफ़ी लोगों का नहीं भरता है एक योग लिया हुआ अच्छा है तो वो हो गया अंडा एंड या तीन सॉर्सेज हम सबको देते हैं कोई हमसे रेड मीट मांगता है तो हम बोलते हैं कि आप सप्ताह में एक बार ले लो उससे ज़्यादा नहीं ओके और वेज वेजिटेरियन के प्रोटीन सोर्सेज में अब ये हो गया फर्स्ट क्लास प्रोटीन फर्स्ट क्लास प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि उसमें सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड्स असेंशियल अमाइनो एसिड्स ओनली फर्स्ट क्लास प्रोटीन में ही हमको मिलते हैं सेकेंड क्लास प्रोटीन में नहीं मिलते हैं. और जो भी फर्स्ट क्लास प्रोटीन है वो सब एनिमल सोर्स से मिलते हैं तो जैसे कि अंडा हो गया चिकन हो गया फिश हो गया या दूध दही पनीर चीज़ ये सारा हो गया फर्स्ट क्लास प्रोटीन फ्रॉम एनिमल सोर्स बट वेजिटेरियन जी ठीक है तो अभी तो आप वेजिटेरियन सबसे पहले तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन उनके पास एक ही ऑप्शन है एवरीथिंग इज़ मिल्क बेस्ड ठीक है नाउ उनके पास सेकेंड ऑप्शन ऑफ प्रोटीन इज ओनली पल्सेस और कुछ नहीं है पल्सेस फैमिली जैसे कि मूंग दाल चना दाल सोयाबीन मसूर दाल छोले राजमा बेसन का आटा ये सारे के सारे पल्सेस हैं सेकेंड क्लास प्रोटीन होते हैं इनको सेकेंड क्लास क्यों बोलते हैं क्योंकि इनमें ऑल दी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं मिलते हैं हमको वो जब एक दूसरे ग्रुप ऑफ फूड से मिलते हैं तभी वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन मतलब एक तरह से कंप्लीट बनते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन तो नहीं बनते जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा इडली सांभर के साथ खाया जाता है दैट मीन्स उसमें ग्रेन में राइस हो गया राइस के साथ में उड़द दाल एंड तुवर दाल सो so, वो मिल के प्रोटीन बन सकता है दाल चावल दाल और चावल सुपर कॉम्बिनेशन छोले पराठा राजमा राइस मतलब अनाज के साथ दाल को मिला लो दाल भी अनाज ही होता है तो वो दोनों मिलके कॉम्बिनेशन सही बन जाता है okay. तो ये हम कहते हैं कि आप हमेशा दाल को एक ग्रेन के साथ में अनाज के साथ में कंबाइन करो दालन रोटी राइस ज्वार रोटी मिलेट्स जो भी आप वैसे कंबाइन करो सो टू मेक अ कंप्लीट प्रोटीन सो पल्सिस हो गए सेकेंड क्लास प्रोटीन थर्ड ऑप्शन ऑफ प्रोटीन जो होता है वेजिटेरियन के लिए नट्स होते हैं नट्स जैसे कि काजू पिस्ता ये बट उसमें फ़ैट ज़्यादा होते हैं प्रोटीन कम होता है बट उसको हम प्रोटीन के रूप में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है hmm. तो यही प्रॉब्लम होता है uh, दिन में कितने खाने चाहिए काजू या so, या बादाम जो भी <laughs> और क्या सोक करना चाहिए सो ग्राउंड रूल है नट्स खाने का एक मुट्ठी एक मुट्ठी बंद में जितने भी नट्स आए हम उतना खाएंगे अच्छा है चाहे आप काजू खाओ पिस्ता खाओ बादाम खाओ वॉलट लो एनी एक मुठ्ठी दैट इज़ द ग्राउंड रूल भारत जो है हमारा बहुत गर्म देश है तो उसमें जो नट्स बहुत गर्मी करते हैं पेट में जाके तो गर्म की तासीर को कम करने के लिए अगर हम नट्स को भिगो देते हैं तो उसमें थोड़ी वो डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है जा। पाचन शक्ति मतलब पचाने की शक्ति बेटर हो जाती है उसकी मेरे ख्याल से अखरोट और बादाम के छिलके भी निकाले जाते हैं इसी वजह से बादाम के छिलके निकाल सकते हैं बट ऐसे भी खा सकते हैं बट डाइजेस्टिबिलिटी बेटर करने के लिए भिगोते हैं तो वो डायजेस्ट अच्छे से हो जाते हैं पीनट्स लाइक ग्राउंड नट्स उसे भी uh, ये देखो मैं रियल ट्रेंड्स आपके सामने पूछा <laughs> तो वो दाल चावल भी मैंने रियल ट्रेंड से सीखा है uh, और uh, अभी एक नया रियल ट्रेंड आया कि सुपर फूड इज सोक्ट्स और आप इसी कैटेगरी में डाल दोगे हाँ सेम क्योंकि नट्स ही सब नट्स ही हैं नट है, बट पी, पीनट की एलर्जी ज़्यादा होती है तो हम सबसे पहले पूछते हैं पीनट देने के पहले आपको एलर्जी तो नहीं है तो आप ले लें वो भी एक मुठ्ठी ओके okay. अगर हमारे देश के वेजिटेरियंस को हर दिन ज़्यादा प्रोटीन खाना है जैसे जो लोग जिम करते हैं या ज़्यादा फिजिकली एक्टिव है तो क्या हर दिन पनीर खा सकता है या हर दिन पनीर खा सकते पनीर में बहुत फ़ायदा होता है एक तो आपको जैसे कि आप जैसे हम लेडीज़ की बात कर रहे हैं जब हम स्टेज पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी पनीर में सबसे पहले तो होता है प्रोटीन दूसरा होता है उसमें कैल्शियम और तीसरा होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूज कोलेस्ट्रॉल तो पनीर हम रोज़ खा सकते हैं इनफैक्ट एक बार मैंने ट्राई किया था अपने ऊपर एक डाइट जिसमें कि मैंने एक साल तक लंच एंड डिनर में केवल पनीर की सब्जी खाई और साथ में ऑफकोर्स रोटी एंड वेजिटेबल लंच एंड डिनर बोथ ओके सो कुछ प्रॉब्लम नहीं मैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब सही था नो प्रॉब्लम wow. वाह आई एम मजूम की आप एक्सपेरिमेंट करते हो आप ब्लड रिपोर्ट भी ले रहे हो खुद की ओके okay. सो mm -hmm. so, हर दिन खा सकते हैं मैं मानता हूँ कि खाना चाहिए बहुत सारे भारतीय कभी नॉनवेज खाएंगे नहीं एंड डैट्स फाइन वो हर किसी की खुद की पर्सनल चॉइस होती है पर एट द सेम टाइम प्रोटीन पर फोकस करना चाहिए थोड़ा yes. सा, वरना बहुत हेल्थ प्रॉब्लम होंगे आगे जाकर और आपको एक और बताऊँ रणवीर की आ, पनीर के साथ में ऐसे क्या है कि इट इज़ मोस्ट ईजिली डाइजेस्टेबल मिल्क सोर्स ऑफ प्रोटीन ये समझा दीजिए क्योंकि बहुत लोग अब दूध पीना कम कर रहे हैं इसी वजह से मैं भी लैक्टोज इंटॉलरेंस उसकी भी एक बड़ी कहानी है बट uh, मुझे पनीर इजीली डाइजेस्ट होता है और दही भी इजीली डाइजेस्ट होता, तो होता, uh, uh, होता है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है लैक्टोज सेंसिटिविटी होता है तो काफ़ी लोग लैक्टोज सेंसिटिव uh, uh, होते हैं तो आप दूध नहीं लेंगे तो आप ये ले सकते दे योर इं इंटरनेट की भाषा में बेसिकली अगर दूध पी लिया तो पिंपल्स हो जाएंगे <laughs> ये एक साइन होती है या दूध पी लिया तो पेट ऐसे ब्लोट हो जाएगा अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ऐसे आपको पता है काफी एक्ट्रेसेस आती हैं तो एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है शी एंटर्ड फाइव इयर्स अगो एंड वो रोज सुबह शाम दूध लेती थी एकदम क्लियर स्किन लाइक like मक्खन पंजाबी थी या yeah. कुछ कुछ हाँ, uh, में दूध ज़्यादा आसानी, आसानी से डाइजेस्ट होता है तो मैं यही बोलती हूँ कि आप सब ये सोचते हैं कि दूध खाने से ही पिंपल हो जाता है ऐसा नहीं है अगर आपको एक्ने है पिंपल्स हैं तो मुहासे हैं तो आप तब हो सकता है दूध इज़ वन ऑफ द रीज़न बट एक्ने के और भी बहुत कारण होते हैं हॉर्मोन्स इश्यू होते हैं हॉर्मोन्स को पहले ठीक करना होता है और जो बच्चों जो यंग लड़कियां और जो लड़कों की एज होती है विच इज़ प्यूबर्टी एज में उसमें होएंगे ही एक्ने। तो इट इज़ लाइक यू नो अभी जैसे आपको चौदह साल की पंद्रह साल की उम्र के बाद में आपकी आवाज़ होगी हॉर्स उसके बाद आपकी दाढ़ी भी आएगी आई मीन इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप तो अगर अगर हम दो तीन साल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें दूध न छोड़ें क्योंकि दूध के लिए दूध में जो कैल्शियम होता है वो बहुत हाईली एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है और हर ऐसा आप सब कहेंगे कि तिल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है सीताफल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है बट ज़रूरी थोड़ी हो हो क्योंकि पालक और ग्रीन वेजिटेबल्स का कैल्शियम इतना ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होता है सबसे पहले उसमें विटामिन डी नहीं होता तो हमको कैल्शियम ऑब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है इसीलिए हमको ज़रूरी होता है कि हम ऐसा आ, 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 प्रोटीन ले मीन कैल्शियम रिचली फूड लें जिसमें कि विटामिन डी नेचुरली प्रेजेंट हो या फोर्टिफाइड हो तो इसके लिए हमको बहुत ज़रूरी होता है कि हम ऐसा आ, ग्रोथ पीरियड में और लैक्टेशन पीरियड में एंड प्रेगनेंसी पीरियड में फॉर वेमेन हम दूध या दही या पनीर का सेवन करें इनफैक्ट कैल्शियम की मात्रा जब हम दही बनाते हैं तो और बढ़ जाती है इट गोज़ अपी थर्टी एम जी पर हंड्रेड एम एल बॉटम लाइन दूध सबको सूट नहीं करता और hmm. बहुत सारे भारतीयों को सूट नहीं करने लगा है hmm. पर जब आप दूध से पनीर बनाते हो तो एग्जैक्टली exactly क्या होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म है जैसे कि फर्मेंटेड है जो कि हमारी गट के लिए अच्छा है और uh, जो मिल्क होता है उसमें लैक्टोज ज़्यादा स्ट्रोंग होता होगा और पनीर में थोड़ा कैसिन कुछ आ, वे के रूप में निकल भी जाता है काफ़ी प्रोटीन एज इन so, जो पानी सेपरेट करता हाँ उसमें so, से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं काफ़ी दिस इज वॉट आई हैव सीन बिकॉज मैं भी लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ नॉट सिवियर बट टू अ अर्टन एक्सटेंट तो मुझे ये आराम से सूट हो जाता है और कभी कभी एज के साथ आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हो राइट hmm. right? जो चीज़ें पहले डाइजेस्ट होती थी वो नहीं होती एक टाइम के बाद आई थिंक ये भी एक बहुत की फैक्टर है बहुतों के लिए कि हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से इवॉल्व होती है टाइम के साथ तो आ, एक आ, शास्त्र की एक्सपर्ट आई थी शो पर बहुत आ, सालों पहले एक्चुअली उन्होंने कहा था कि आ, कुछ शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जिन खानों की वजह से आपको ब्लोटिंग होती है उस खाने से दूर रहना चाहिए और आपके लाइफ के हर स्टेज में आपको अलग अलग खाने से ब्लोटिंग हो सकती है ये yes. तो जब कुछ खाने से ब्लोटिंग फील होती है तो थोड़ा सा ध्यान से रहना चाहिए उस खाने की ओर एकदम सही कहा उन्होंने हमारे हर एज में हमारी पाचन शक्ति चेंज होती है हमारा गट पूरा बैक्टीरिया चेंज होता है तो अब जैसे कि एकदम छोटा बच्चा होता है उसको हम लोग माँ का ही दूध देते हैं उसी तरह से थोड़ा बड़ा होता है तो हम अलग खाना देते हैं तो जिस तरह से हमारी पाचन शक्ति चेंज हो रही है बचपन से उसी तरह से उसका डिस्ट्रक्शन होता है आफ्टर दी एज ऑफ फोर्टी स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 45 फोर्टी हाँ, फाइव के बाद में धीरे धीरे हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती जाती है जी. तो उस वक्त आपको देखना चाहिए आप क्या डाइजेस्ट कर पा रहे हो और दूसरा हार्मोन चेंजेस से भी हम काफ़ी चीज नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं एक ये भी एक चीज़ है और आफ्टर दी एज ऑफ फोर्टी फाइव फिफ्टी काफ़ी लोग सोचते हैं कि वो अब जो आ, इंडिया में जो मसाला चाय बहुत फेमस वो नहीं ले पाते हैं तो सब के सब दे स्विच ओवर टू तो ब्लैक टी या या जो सर्विस टी जो बोलते हैं ये दूध की वजह से दूध की वजह से दूध नहीं डाइजेस्ट होता है काफ़ी लोगों को दूध के बदले आप सब्सटिट्यूट मिल्क रेकमेंड करते हो लोगों को सो so, दूध नहीं लेना है तो आप नहीं हम बत, अगर आपको चाय का कोई भी अगर एसिडिटी लेके आता है तो हम सबसे पहले बोलते हैं आप मिक्स चाय या दूध वाली कॉफ़ी बंद करो इसकी जगह स्विच ओवर टू सर्विस टी सर्विस टी क्या है जो कि गर्म पानी है उसमें टी बैग डाला थोड़ा सा दूध डाला और चाय आपकी तैयार हो गई कड़क चाय बनती है बहुत अच्छी बनती है मैं वही लेती हूँ एन दे डोंट माइंड सबसे पहले तो उनको मैं अपनी क्लिनिक में दे देती हूँ कि पहले आप ट्राई कर लो आपको पसंद आएगी बट आपको चाय छोड़नी पड़ेगी और mm. आपको एसिडिटी से दूर रहना है mm. तो एक तो ये तरीका है दूसरा लैक्टोज फ्री मिल्क भी मिलता है बाजार में और तीसरा मैंने देखा है कि अगर हम फैट फ्री दूध से हमारा मसाला चाय बनाएं तो वो थोड़ा डाइजेस्ट बेटर होता है फैट फ्री दूध विच इज़ नेस्ले का ब्रिटानिया का टेट्रापैक मिलता है दैट इज़ मोर डाइजेस्टेबल देन फुल फैट मिल्क ओके okay. मैंने खुद का एक्सपीरियंस uh, है ओके okay. ये थोड़ा सा एनालिटिकल सवाल है अब जो मैं पूछने uh, उस उस बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम नाम बता <laughs> <Sorry>. <laughs> <laughs> बहुत सारे किसका किसका ओके ओके okay, okay. उस, उसका उसका नाम मत बताना पर नहीं ये... बता देती दैट्स ओके अनन्या पांडे उनका मुझे बताया था and... उनकी स्किन बहुत अच्छी है जनरली exactly. hmm. uh, जो बॉलीवुड वाले लोग आते वो किन की वजह से आते हैं या health? So, जैसे कि एक एक्ट्रेस आई थी हमारे पास आज से 10-12 साल पहले जी. आ, वो आ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो आ, उनके पास बहुत प्रेशर था कि हमको एक रोल मिलने वाला है हमको वेट लॉस करना है और उसकी वजह से वो कुछ नहीं खा रहे थे तो ये लोग आते हैं हमारे पास बहुत कम खाना खाते हुए कम बहुत कम इतना कम कि आप सोच नहीं सकते खाली ब्लैक कॉफ़ी पे जिंदा रहते पर कैसे <laughs> तो तो उनका हम लोगों ने इनफैक्ट बहुत अच्छा डाइट बनाया और तीन चार बार जो हमारी थ्योरी है फोर एक्स की वो अप्लाई करी और उनके शूट के टाइमिंग के हिसाब से हम लोगों ने उनको खाना बताया रात का भी जैसे लेट नाइट शूट होती है उसके हिसाब से भी आप विश्वास नहीं करोगे रणवीर उन्होंने पाँच के वज़न गिराया और आ, मतलब उनका फेंट होना बंद हो गया सेट्स पे इट वाज वेरी गुड बहुत अच्छा रहा उनके लिए ऑफ कोर्स फेंट आई मीन शी इज रियली रियली अ वेरी 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 फेमस फेमस एक्ट्रेस ओके अह सिर्फ वजन घटाने के लिए वजन के लिए आए थे देयर लाइफस्टाइल बिकॉज उनको ये नहीं पता होता कि हमको क्या खाना चाहिए और किस खाने से दूर रहना चाहिए कंफ्यूजन है ना इतना ज्यादा इंटरनेट पे नॉलेज है समझ नहीं आता क्या रखें और क्या फेंके दैट इज वाई और जो मेल एक्टर्स आते हैं वो आते हैं बिकॉज uh, But... उनको बॉडी बिल्डिंग करनी hmm. होती है और तो उनका गोल होता है कि मसल बढ़ाना है और फैट कम करना है और वेट भी कम करना है तो उनकी डाइटरी नीड्स एकदम अलग होती हैं ज्यादा प्रोटीन होता है तो उनका कार्बोहाइड्रेट्स uh, कम होते हैं प्रोटीन काफ़ी ज्यादा होते हैं उनको हम लोग क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं उनकी एक्सरसाइज टाइमिंग का बहुत अच्छा वो करते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सब okay. वीमेन की बॉडी थोड़ी अलग होती है ना नीड्स अलग होते हैं ये मैंने जाना है एक्चुअली बॉयज की बॉडीज बहुत सिंपल होती हैं कोई भी आ, औरत होती है उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं जो कि मेन में नहीं आते आई फील कि अगर किसी के बॉडी में वो अबिलिटी टू प्रोड्यूस लाइफ होती है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है एग्जैक्टली exactly. और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम का ख्याल रखना होता है बट अगेन वो टाइमलाइन लाइन बाद में आएगी पॉडकास्ट में अब ये थोड़ा सा वेट लॉस का लूप खत्म करते हैं यस yes. तो वो अभी ये हो गया एक तो फॉरेक्स हो गया सेकेंड फॉरेक्स uh, में वो एट्टी ट्वेंटी बहुत ज़्यादा जरूरी है अल्पाहार उसके बाद होता है नींद एक्चुअली जो नींद होती है दैट इज द फाउंडेशन ऑफ योर होलिस्टिक वेलनेस जो कि अगर उस फाउंडेशन को हमने हिला दिया तो सब कुछ ऑल एवरीथिंग फॉल्स कितना सोना चाहिए आठ घंटे

Uh, मेरा हार्ट रेट क्या था रात को एच जो कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी होता है वो क्या था मेरे दिन भर में स्टेप्स कितने थे मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है और एवरी आई मीन इस स्लीप के टॉपिक को टैकल करने के लिए कुछ पॉइंट्स दे दूंगा मैं मैम एंड प्लीज़ ऐड टू इट आई फील कि फ़ोन नहीं देखना चाहिए सोने के एक दो घंटे पहले मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है uh, आपका कमरा एकदम डार्क होना चाहिए पूरा अंधेरा होना चाहिए जितना ज़्यादा अंधेरा उतना ज़्यादा अच्छा है आ, थर्ड सुबह उठते ही आपको आ, बाहर जाना चाहिए सूरज को देखना चाहिए आपके सर्किटे एकदम सेट हो जाता है चौथा आई थिंक सोने से दो घंटे पहले आपको खाना नहीं खाना चाहिए एटलीस्ट मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प परफेक्ट पाँचवा आई वुड से कि कुछ शांत करना चाहिए उन दो घंटों के लिए जैसे टी आर एस पॉडकास्ट सुनना चाहिए <laughs> <laughs> सच में I feel कि लोग पॉडकास्ट देखते मैं सुनती हूँ लोगों सुनना चाहिए सो इट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यूट्यूब जो स्पॉटीफाई पे है आपका बहुत अच्छा है बहुत अच्छा तरीका है And मैंने लेवल भी डाउनलोड किया है अरे थैंक यू बहुत बहुत अच्छा लगा थैंक यू उस ऐप को हमने इसी वजह से बनाया एक्चुअली हमने खुद के लिए ऐप डेवलप करी थी यार अदर पॉडकास्ट में क्या कर सकता हूँ रात को hmm. uh, तो आई फील कि जिन लोगों को सोने में तकलीफ होती है hmm. अगर एक की स्टार्ट करी रात को, तो दिमाग बहुत बीस अच्छा. मिनट मतलब exactly. uh, की चांटिंग या जाप या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते नहीं hmm. तो uh, वो एक हैबिट प्रॉब्लम्स फिक्स हो सकता है आपको मैं बताऊं रणवीर जो नींद की जो शिकायत है इतनी बड़ी है अगर मैं दिन में पचास लोगों को देखती हूँ उसमें से चालीस दैट मीन्स एट्टी प्रतिशत अस्सी प्रतिशत लोग आते हैं नींद की शिकायत लेके मतलब नींद उनकी हो नहीं रही ढंग से कैन यू इमेजिन इतना ज़्यादा बढ़ गया है इसका रूट कॉज एक्चुअली ओवर ही है ना? नहीं कुछ रैंडम नहीं बिकॉज द फोन एक्सेसिबिलिटी व्हाट्सएप ऑलवेज एक ये है ना एक ऑब्सेशन हो गया रीले देखते जाओ या तो रीले <laughs> देखते जाओ एकदम सीधा स्लाइड करते जाओ एंड <laughs> कनेक्टिविटी और मतलब ओ टी प्लेटफॉर्म्स में जो इजीली आपको एपिसोड्स मिल जाते हैं एंड उसके बाद बिंज मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कहा था कि उनका सबसे बड़ा राइवल लोगों की नींद है Exactly. ये ये इतनी अच्छी बिजनेस स्टेटमेंट है पर इतनी खराब लाइफस्टाइल स्टेटमेंट है तो एक अभी हम जाएं इसके बारे में कि सबसे ज़रूरी है ऑफकोर्स फोर एक्स एंड सेकेंड इज स्लीप एंड थर्ड इज एक्सरसाइज अब मैं इस चीज़ में विश्वास ही नहीं रखती कि आप वेट लॉस कर रहे हो बट आप बिना एक्सरसाइज के वेट लॉस कर रहे हो क्योंकि आपका वेट लॉस हो रहा है बट उसमें आपका फिफ्टी परसेंट मसल लॉस हो रहा है हुँ. इसका मतलब जब आप डाइट बंद करोगे तो आप जो अट्ठारह सौ कैलोरी में आप अगर, अगर अपना वेट मेंटेन कर रहे थे वो सोलह सौ पहुंच जाएगा दैट मीन्स आपको कम खाना मिलेगा मसल लॉस हमको चाहिए नहीं बिकॉज हम जो कैलोरी बर्न करते हैं मसल के जरिए से करते हैं तो अगर मसल कम हो गया तो कैलोरी बर्न कम हो गया इसका मतलब आप जितनी कैलोरी खा रहे हो ज्यादा खाओगे तो वजन बढ़ेगा इट्स वेरी सिंपल मैथ्स तो एक्सरसाइज इज द थर्ड पिलर फोर एक्स स्लीप एक्सरसाइज एक्सरसाइज का मतलब वॉकिंग नहीं है हाँ सो so, जैसे कि डाइट में भी कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन फैट एंड फाइबर इसी तरह से एक्सरसाइज में भी कॉम्बिनेशन होता है लोग भूल जाते हैं वेट कम करना है तो रोज़ जिम जाके जैसे कितने लोग आते हैं मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ तीन में तीन दिन बाकी के तीन दिन मैं योगा कर रहा हूँ और शाम को मैं गेम्स खेल रहा हूँ और बाकी के तीन दिन मैं स्विमिंग कर रहा हूँ बट बैलेंस किधर है आपका देर इज़ नो बैलेंस सो वॉट आई बिलीव एक्सरसाइज में क्या होता है कि बैलेंस ऑफ मसल बिल्डिंग स्ट्रेचिंग लो इम्पैक्ट कार्डियो एंड हाई इम्पैक्ट कार्डियो ये चार का बैलेंस होना चाहिए इसमें से आप एक चीज़ को उड़ा सकते हो मसल बिल्डिंग यानी कि या तो जिम या तो फ्री बॉडी फ्री बॉडी वेट ट्रेनिंग पिलाड़ीज इवन योगा टू अ सर्टन एक्सटेंड वो होल्ड is... करते हाँ, हैं योगा में योगा भी एक तरह से स्ट्रेचिंग एंड मसल बिल्डिंग दोनों रहता है और एनी ऑफ दीज एक्सरसाइज हाई इंपैक्ट कार्डियो में आ गया आपका डांस एनी काइंड ऑफ स्पॉट ऑल दिस इज हाई इम्पैक्ट कार्डियो इवन स्विमिंग इज स्विमिंग को भी हम मसल बिल्डिंग में ही बांधते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज तो स्विमिंग भी आपका मसल बिल्डिंग में आता है बिकॉज आपकी मसल ही बिल्ड होती है स्विमिंग में कार्डियो भी रहता है आपके कार्डियो सिस्टम बहुत अच्छा होता है बट उसमें आता है और उसके बाद हो जाता है लो लोमपा कार्डियो विच इज़ वॉकिंग ना वॉकिंग अगर मेरे पास कोई इंसान आता है जो कि हमारे क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं तो जो लंडन से आया कोई अमेरिका से आया वो लोग जो होते हैं ना कि आ, वो एज इट इज़ बहुत स्टेप्स लेते हैं दिन के क्योंकि उनको इंडिया के जैसे फैसिलिटी नहीं होती छोटे छोटे घर नहीं होते जो रोड होते हैं बहुत फ्रेश होते हैं वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता तो वहाँ के लोग एज़ इट इज़ टेन थाउजेंड स्टेप्स चल लेते हैं दिन के इंडिया में जो मेट्रो सिटीज़ में ये प्रॉब्लम है टेन थाउजेंड स्टेप्स होता नहीं है किसी का अगर आप एक घंटा चलो ना तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ एनी थिंग से दस कदम और सेकेंड रिक्वायरमेंट इज स्ट्रेचिंग थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ टोनिंग टोनिंग, मसल बिल्डिंग ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो चाहिए कोई वेट लॉस अगर किसी को करना है तो हम उनको कहते हैं आप सत्तर प्रतिशत लो इम्पैक्ट कार्डियो करिए बीस प्रतिशत अगर आप सोचिए कि आपने दस घंटे देने हैं दिन सप्ताह के बीस प्रतिशत आप टोनिंग या मसल ट्रेनिंग करें और टेन प्रतिशत टाइम आप अपना स्ट्रेचिंग में डालें ये okay. uh, एक बहुत भारत स्पेसिफिक क्वेश्चन है स्पेशली uh, छोटे शहरों में ना uh, लेडीज़ घर को छोड़ नहीं सकती अलग अलग रीजंस की वजह से तो घर पर बैठ कर किस तरह की एक्सरसाइज कर सकता है घर पर बैठ के आजकल तो आफ्टर जो कोविड के बाद में तो इतनी क्लासेस अवेलेबल हैं जैसे कि वॉक अ माइल की क्लास है जो कि सब फ्री हैं जेन फोंडा की है लेस्ली सिम्सन की है वॉक अ माइल टीवी चालू किया एंड उस वो कर सकती हैं वॉक वो हम लोग ने सबको दिया था कोविड के टाइम पे योगा क्लासेस भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो कि वो कर सकती हैं डांस क्लासेस हाई इंपैक्ट कार्डियो भी वो कर सकती है खाली वेट ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है कि वो मैं मानती हूँ कि आपको अंडर गाइडेंस ही करना चाहिए या अगर घर पे एक पुलब बार डाल दिया एक छोटा सा सेटअप बना दिया तो घर पे हो सकती है वेट याँ। ट्रेनिंग बट आई थिंक लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है लोग एक जमाने में डरते थे वेट ट्रेनिंग की वजह से क्योंकि ये लगता था कि पहलवान की तरह लगेंगे पर ये सच नहीं है मैं आपको बताऊं मेरे पास इतने लोग आते हैं जो खाली वॉक करते हैं ना 45 के बाद में सबसे पहले तो फ्रोजन शोल्डर होता है बाद में प्लांटर प्लैट्रोफेसाइटिस हो जाता है बाद में बैक पेन हो जाती है और कोई ना कोई तो मसल पेन होता ही है उनको तो अगर आप ट्रेनिंग 40 साल की उम्र के बाद शुरू नहीं करते हो तो आप यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी बैड क्वालिटी ऑफ हेल्थ लेटर इन लाइफ बॉडी टूटने लगती है एकदम और आप जो वॉकिंग है वो भी नहीं कर पाते एक वुमेन को किस एज पे स्टार्ट करनी चाहिए वेट ट्रेनिंग फॉर लाइफ। वेट ट्रेनिंग या टोनिंग सो वेट ट्रेनिंग में वुमेन को कहती हूँ कि फॉर वुमेन स्पेसिफिक उनके लिए ज़रूरी होता है योगा इज बेटर देन वेट ट्रेनिंग एंड प्लाटेज इज़ बेटर देन वेट ट्रेनिंग बिकॉज पिलाटे में अपने आप ही स्लो वेट ट्रेनिंग होता है बट अगर वेट ट्रेनिंग करना चाहें तो आफ्टर द ग्रोथ पीरियड विच इज आफ्टर एटीन 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 देखो हाइट ग्रोथ क्योंकि वाई वी डोंट टेल हम क्यों नहीं बोलते लेडीज को वेट ट्रेनिंग उसके पहले शुरू करने के लिए बिकॉज उसके लिए हमको डाइट बैलेंस करना पड़ता है ज़्यादा प्रोटीन के लिए uh, जो भी एक्सरसाइज करें उसमें प्रोटीन स्पेरिंग इफेक्ट होना चाहिए यानी uh, कि जिससे कि जो भी प्रोटीन हम खा रहे हैं वो हमारे ग्रोथ में जाना चाहिए नॉट टुवर्ड्स मसल बिल्डिंग इसके लिए बट अठारह साल के बाद तो आसानी से शुरू कर सकते हैं क्योंकि हमारा हाइट ग्रोथ तब तक ख़त्म हो जाता है हाइट के लिए सबसे ज़रूरी है स्विमिंग साइकिलिंग ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है हाइट के लिए एंड एंड योगा इज़ वेरी गुड बिफोर द एज ऑफ एटीन पिलाटिस इज़ वेरी गुड एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है उस वक्त हमें प्रेगनेंसी योगा या वॉकिंग करना चाहिए उनके स्पेशलाइज क्लासेस होते हैं तो वो सब करना चाहिए लैक्टेशन के टाइम पे भी हमको ये ये जो तीनों पीरियड हैं ग्रोथ पीरियड टिल 18 देन लैक्टेशन पीरियड सॉरी प्रेगनेंसी पीरियड एंड लैक्टेशन जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को इसमें प्रोटीन स्पेयरिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी प्रोटीन है वो उसके खुद के बॉडी के लिए चाहिए वुमेन को या प्रेगनेंसी uh, के टाइम पे फॉर द बेबीज बच्चे के लिए डेवलपमेंट uh, के लिए एंड लैक्टेशन में भी दूध को रिच बनाने के लिए चाहिए तो उसमें बहुत जरूरी है कि सोच समझ के करें एंड ऑफकोर्स पूरी जिंदगी पड़ी है बाद में वेट ट्रेनिंग के लिए ऐसा गाय आप सोचते भी नहीं हो इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली इन में ध्यान से आपको एक्सरसाइज करनी तो so एक तो हमने बात करी फोर एक्स दूसरा हम लोग तीसरा हम लोग स्लीप फोर्थ फैक्टर अगर आपको वेट लॉस करना है अवॉइड दी ऑब्वियस जो, जो चीजें नहीं खानी चाहिए जो चीजें नहीं खानी चाहिए सो अवॉइड दस में आ गया मिठाई आइसक्रीम कोल्ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स पापड़ पापड़ एकदम खराब है अच्छा बिल्कुल विश्वास नहीं कर थोड़ा बताइए बिकॉज उसमें सोडियम बहुत होता है यूजलेस कैलोरी होता है वो खाने के बाद खाते हो तो आपका पेट भर गया बट टेस्ट के लिए खाते हो तो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट्स फ्राइड फूड पापड़ एंड पटेटोज पटेटोज में कैलोरी डेंस होता है जो कि रूट वेजिटेबल्स होती हैं उसमें तो वो कम खाना चाहिए तो ये सब हमको अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल ऑफ़ कोर्स वो भी कॉन्सनट्रेटेड कैलोरीज है आपको एक ग्लास वाइन से वन सेवेंटी एट्टी वन फिफ्टी सिक्सटी कैलोरी मिल जाती है या कोई भी अल्कोहल नहीं वो और क्या आई थिंक यही सब चीज़ें हैं अगर किसी को कोल्ड एनी एनी वेस्टर्न वेस्टर्न कोल्डर्ट्स ऑल वेस्टर्न डिजर्ट्स खराब खराब केक पेस्ट्री जो भी बिस्किट विस्किट अगर मीठा खाना है तो इंडियन मीठा खाएं क्या सब कुछ अच्छा है काफ़ी कुछ अच्छा है इंडियन मिठाई में मुझे इसके बारे में बताना चाहूँगी कि हम इतने ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गए हैं पहले के ज़माने में क्या होता था कि हाँ ये बच्चा हो गया रसगुल्ला खाओ रसगुल्ला क्या है पनीर है गुड फॉर हेल्थ ठीक है कांजू की बर्फ़ी वेरी गुड कांजू होता है उसमें घी तेल बहुत कम होता है कांजू की बर्फी उसमें प्रोटीन है गुड क्वालिटी फैट है और क्या चाहिए आप ले लें संदेश पनीर और कुछ नहीं है उसमें प्रोटीन भी है कैल्शियम भी है कोलेस्ट्रॉल भी है विच इज़ वेरी गुड हर दिन खा सकता या अगर आप वेट लॉस नहीं करना चाहें तो खा सकते हैं अगर आप ओवरऑल हेल्दी हो, हेल्दी हो लग रहा है कि फैट लॉस करना है तो फिर मत खाओ <laughs> फैट लॉस करना है तो बिल्कुल मत खाओ hmm. दूर रहो मिठाइयों से ये एक्चुअली मिठाई के बारे में मैं सबको मेरी जो भी क्लाइंट है बिकॉज हमको हमारा काम ही होता है ना मोटिवेशन देने का कि कैसे आप डाइट को फॉलो करो और आप वेट लॉस करो तो हम सबको यही कहते हैं कि आप मीठा जो है ना हमारे संस्कृति ने हमको क्या सिखाया है मीठे के बारे में कोई ओकेजन हो कोई खुशी का मौका हो तो चलो मूँह मीठा करो यही बोलते हैं ना hmm. मंदिर में आप जाते हो आपको थोड़ी समोसा हाथ में देता है पंडित Hmm. थोड़ा सा मीठा ही देता है तो हमको जो हाथ में मिलता है इतना इतना ही हमको मीठा एक बार में खाना चाहिए जी जैसे आप केक काटते हो तो आप खुद थोड़ी अपना खाते हो केक आप दूसरे को खिलाते हो ना <laughs> मैं एक लड़का हूँ मुझे ठूस देते <laughs> <laughs> so, अपने हाथ से मीठा या कम से कम खाना चाहिए और ओकेजन पे खाना चाहिए जैसे कि हम दिवाली पे मीठा बनाते हैं भाई दूज पे बहन अपने भाई को मीठा खिलाती है भाई अपनी बहन को मीठा खिलाता है ये सब एक क्यों ये सब पद्धति बनी हुई है इंडिया में यही बताने के लिए कि और सब टाइम पे मीठा खाना ही नहीं चाहिए आई uh, थिंक कोई भी डिज़र्ट का लॉजिक ये है स्पेशली वेस्टर्न डिज़र्ट्स का कि चीनी होती है मैदा होता है और बटर होता है बस राइट हर वेस्टर्न डिज़र्ट और सबसे ज़्यादा वो पता है वो कौन सा एक मीठा है डोनट वो वो करेला और जो नीम चढ़ा बोलते हैं ना वो क्योंकि उसमें तो उसको फ्राई करके वापस से उसको शुगर में डुबाया जाता है जैसे कि हमारे भी उसमें है एक ऐसा ही डिजर्ट गुलाब जामुन जलेबी अच्छा जलेबी सबसे खराब सबसे खराब मिठाई होती है ये बताइए तो थो थोड़ा बात करें लोग मिठाई तो खाएंगे ही खाएंगे तो बेस्ट मिठाई कौन सी होती है यही मैंने बताया ना कि बादाम पिस्ता बादाम की चक्की पिस्ता की चक्की काजू की कतली आ, संदेश रसगुल्ला नारियल की भी नारियल बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए नारियल हो गया वॉलट की कुछ मिठाई हो गई तो मिष्टी दोई मिष्टी दोई अरे मिष्टी दोई के बारे में बहुत अच्छी कहानी है तो क्या हुआ मुझे मिष्टी दोई बहुत पसंद है तो मैं जब भी कैलकटा जाती हूँ ज़रूर मिष्टी दोई खाती हूँ तो इस बार भी मैं गई और मैंने ऐसा एक सिकोरा में मिष्टी दोई लेके मैंने खाया 400 सौ एम मिष्टी को दो खा लिया मैंने वो खाया लंच में मेरे को रात तक भूख नहीं लगी और दूसरे दिन जाके ब्रेकफास्ट में मुझे कुछ खाने का मन किया बोली ये क्या चीज़ है ये मिष्टी दोई में तो मैं गई दुकान पे मैंने पूछा भैया क्या दिया आपने मिष्टी दोई बनती कैसे है तो बोला मैम अगर एक लीटर दूध है उसको हम घड़ा के तीन सौ चार सो बना के उसकी मिष्टी दोई बनाते हैं तो आप सोचो अगर मैंने एक लीटर दूध एक साथ खा लिया इतने बड़े सिकोरे में तो नेचुरली भूख नहीं लगेगी ना सो मिष्टी दोई इज़ गुड बट इट इज़ लाइक रबड़ी फैटनिंग शुगर ओके hmm. okay. तो ये मिश्टी दोई की कहानी है बट इट इजीज फुल ऑफ प्रोटीन मेरा मानना ये है ये मेरे लिए क्योंकि मेरे एक जमाने में स्वीट टूथ था hmm. तो मैं शुगर से काफी दूर रहा काफ़ी सालों के लिए फ्रूट uh, खा लेता हूँ दिन में एक बार पर मैं ट्राई करता हूँ कि जितना कम स्वीट खा सकूँ उतना कम खाऊँ क्योंकि ऑन स्क्रीन जॉब है आप सही लग रहे हो एकदम सही है एक mm. और भी और भी ज़्यादा है yeah. <laughs> पर इट्स वर्क फॉर मी शायद ये मेरी यूनिक क्या कहते हैं बॉडी केमिस्ट्री है बट अगर मैं थोड़ा भी स्वीट खा लूँगा बहुत मेरे साथ भी ऐसा ही है एंड आई थिंक आई डोंट नो ये मैंने जनरली भारत में देखा प्लीज यू आर मोर एक्सपीरियंस मे बी सी इट डिफरेंटली काब सेंसिटिविटी नाम की एक चीज़ होती है स्पेशली uh, बॉयज में एक प्रॉब्लम होती है स्किनी फैट की यानी कि आप मोटे भी नहीं हो आप पतले भी नहीं हो बहुत सारे भारतीय स्किनी फैट होते हैं uh, तो मैंने एक जमाने में सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ा था कि आपकी बॉडी अलग लोगों की बॉडी काब्स को कैसे अलग तरीके अलग से ऑब्जॉर्ब करती है और एटलीस्ट आस आसपास मैंने नोटिस किया कि भारत में बॉयज़ की बॉडीज काब्स को अच्छे से ऑब्जॉर्ब नहीं करती अगर गंदे काब्स खाए तो यही कि अगर आपने थोड़ा सा भी स्वीट खा लिया आपका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता, बढ़ता है बढ़ता या मैदा खा लिया नान रुमाली रोटी ये चीज़ इन चीज़ों को ज्यादा खाया तो आ, फैट आ, फैट ज्यादा बढ़ता है जो भारत है वो एक डायबिटिक प्रधान देश है डायबिटीज़ हमारे कोई ना कोई जीन्स में घुसा हुआ है सबके जी ठीक है आपको पता है कि मैंने ये इसके बारे में चेक किया था दस करोड़ भारतीय को डायबिटीज़ है कैन यू बिलीव इट नाउ डायबिटीज़ तो ठीक है बट देर इज समथिंग कॉल्ड प्री डायबिटिक कंडीशन उसको कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी या इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो एक बड़ी प्रॉब्लम है तो हमारे पास कोई भी इंसान आता है चाहे लेडीज हो चाहे मेन हो सबसे पहले हम इंसुलिन सेंसिटिविटी चेक करते हैं इसका कारण इसका मतलब क्या होता है कि शुगर इज़ फाइन उनका शुगर लेवल होगा सेवनटी एट्टी फास्टिंग पोस्ट उनका एट्टी नाइन्टी होगा और एच बी वन से भी हो सकता है पाँच या फाइव पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट थ्री हो बट उनका इंसुलिन हो सकता है बहुत ज़्यादा हो विच इज़ फास्टिंग इंसुलिन एंड पोस्ट इंसुलिन इसकी वजह से उनकी काप्स सेंसिटिविटी हो जाती है वो काप्स को जैसे इस थोड़ा सा साइंटिफिक है मैं आपको समझाती हूँ तो हम कुछ भी खाना खाते हैं वो सब के सब कन्वर्ट होता है शुगर में चाहे आपने ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है चाहे आपने फैट लिया चाहे प्रोटीन लिया एवरीथिंग कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज यानी कि आपकी बॉडी उस खाने को ब्रेकडाउन करती है और ग्लूकोज कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में यस ग्लूकोज का क्या काम होता है एनर्जी देना तो हमारी एक सेल होती है ऐसे सेल के अंदर जाती है ग्लूकोज और वहाँ बर्न होती है एज एन ए फॉर दी एनर्जी आपके पेट्रोल के लिए सेल के पेट्रोल की। सेल के पेट्रोल बट वो ऐसे अपने आप डायरेक्टली नहीं घुस सकती एक दरवाज़ा होता है ठीक है वो दरवाजे की चाबी होती है इंसुलिन तो जब आ, हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है तो या तो चाबी खराब क्वालिटी होती है या दरवाज़ा सही जगह नहीं होता तो वो खोल नहीं पाता और ग्लूकोज घुस नहीं पाता तो इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो शरीर में घूमते रहता है और बाई दी एंड ऑफ द डे यूज़ नहीं होता तो वो फ़ैट के जैसे या तो आपके पेट पे स्टोर होता, होता है या के लिवर में स्टोर होता है या आर्टरीज में स्टोर होता है तो जिसको इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है इसका मतलब इंसुलिन खूब प्रोड्यूस हो रहा है बट वो ग्लूकोज को फैसिलिटेट नहीं कर रहा उसको अलाउ नहीं कर रहा जाने के लिए सेल में यानी कि आपके बॉडी में भी ग्लूकोज तैरते जा रहा है और स्टोर होते जा रहा है और उसके साथ साथ आपके बॉडी के कुछ सेल्स मरते भी जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ग्लूकोज़ नहीं मिल रहा सेल मरते नहीं है वो डिमांड करते हैं कि हमको खाना चाहिए हम भूखे हैं तो ऐसे लोगों को मीठा खाने का मन करता है खाना खाने के बाद उनको लगता है अरे मैंने तो खाना खाया बट मुझे एनर्जी नहीं है तो इसके वजह से ऐसे जो लोग हैं वो ज़्यादा खाते हैं उनको पता नहीं होता वो क्यों ज्यादा खा रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही खाने से तो वो जो ओवरवेट से ओबीज में आ जाते हैं ओबीज से मॉर्बिड ओबीजिटी हो जाती है बट इसका एक ही रीज़न होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी कैन यू बिलीव इट इतनी सीधी सी चीज़ है और दिस इज ये क्यों होता है क्योंकि इनकी फैमिली में किसी न किसी को डायबिटीज़ होता है एक डायबिटोलॉजिस्ट आए थे शो पर और उन्होंने डायबिटीज के अलग स्टेजेस के बारे में बात किया था मुझे डर फील हुआ डायबिटीज़ के बारे में सुनने के बाद कि बॉडी इतनी ज़्यादा ब्रेकडाउन होती है डायबिटीज़ में ऑलमोस्ट uh, बुरा लग ये शायद एक इंसान की सबसे गंदी डिजीज़ हो सकती है बहुत पेन हो सकता है बहुत सफरिंग uh, हो सकती है पीड़ा हो सकती है डायबिटीज़ एक्चुअली इज़ अ साइलेंट किलर जो बोलते हैं ना हमारे घर को दिमक लग जाती है वो ऐसे होता है डायबिटीज़ तो इसीलिए हम हम हमारी कंपनी जो सेल्फ केयर है उसका काम क्या है डिजीज़ होने के पहले उसको खोजना और उसको वहीं से यूटर्न कर देना रिवर्स कर देना जैसे कि इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको तुरंत वी हैव हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं और हमारे पास जो एंडोलॉजिस्ट भी हमारे टीम में हैं तो हम उनसे कॉन्स्टेंटली बात करते रहते हैं और हमारे क्लाइंट का केसेस पेश करते हैं और उसके बाद क्लाइंट से उनको डायरेक्टली बात करा कि उनकी ये प्रॉब्लम उनके साथ सॉल्व करते हैं और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ में गुड लाइफ जो मैंने चार पिलर्स बताए ऑफ गुड न्यूट्रिशन उसके साथ में हम उनका ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं पिछले पंद्रह साल से मैं इस इस पे काम कर रही हूँ ऑफ रिवर्सल ऑफ डायबिटीज तो है ही बट प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज क्योंकि अगर आप इंसुलिन सेंसिटिव हो तो आपको पाँच साल दस साल पंद्रह साल बाद डायबिटीज होगा बट अगर हम इंसुलिन सेंसिटिविटी को वेट लॉस के साथ में ठीक कर देते हैं आप डायबिटिक नहीं होगी सिंपल सी थ्योरी है मोस्टली जो लोग प्री डायबिटिक होते हैं जिनको डायबिटीज़ होने वाला है क्या वो थोड़े से हैवी भी होते हैं, हेल्दी भी होते नाइन्टी नाइन परसेंट हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जो कि दुबले हैं बट दे आर प्री डायबिटिक बट नाइन्टी नाइन परसेंट लोग होते हैं वो हैवी होते हैं तो अगर बॉडी में फैट ज़्यादा है तो चांसेस आर कि यू कुड बी प्री डायबिटिक एक्जेक्टली exactly. इसलिए फैट लॉस पर फोकस करना चाहिए और अक्सर ब्लड रिपोर्ट लेने चाहिए ब्लड रिपोर्ट लेके दे शुड कंसल्ट द राइट पर्सन एंडोक्रिनोलॉजिस्टेस और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए समझना चाहिए कि आप अगर ज्यादा खा रहे हो उसका रीजन ये नहीं है कि आ, ये आप में खामी हो सकता है आपके जीन्स की खामी हो यू you नो know? जीन्स डीएनए इसलिए हम किसी भी क्लाइंट को जब आते हैं तो हम उनका बहुत आ, आ, बड़े रूप से उनका सब जेनेटिक हिस्ट्री लेते हैं कि उनके नॉट ओनली उनके माँ बाप को क्या डिजीज़ थे उनके भाई बहन को क्या डिजीज़ है बट उनके दादा दादी नाना नानी ताऊ चाचा बुआ मासी मामा सबका हम पूछते हैं जो कजिन ब्रदर्स सिस्टर्स हैं सबकी डिज़ीज़ का हिस्ट्री लेते हैं और हमारा काम ये होता है कि उस डिजीज़ में से उनको क्या आने वाला है और हम क्या रिवर्स कर सकते हैं और जो प्रेजेंट उनको क्या क्या प्रॉब्लम है उसको हम कैसे कर सकते हैं कीपिंग इन माइंड द फोर पिलर्स जो मैंने आपको बताया Uh, तो हमने प्रोटीन की बात करी थी uh, पर काब्स और फाइबर के बारे में बात नहीं करी पहले फाइबर को एड्रेस करें क्योंकि yes. काब्स एक्चुअली डायबिटीज से भी रिलेटेड है थोड़ा सा uh, क्योंकि काब्स का नाम सुनकर ना लोग कुछ भी खाने लगते हैं <laughs> तो वो एक बड़ा टॉपिक है पहले फाइबर को एड्रेस करते हैं इज इट ट्रू कि हर दिन अलग कलर की सब्जी खानी चाहिए हर सब्ज़ी में कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं जैसे कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उसमें आपको विटामिन ए मिलेगा और इसी तरह से आ, औ, और जैसे कि पमकिन है उसमें कुछ और खूबियाँ होती हैं बीटरूट है उसमें कुछ और होते हैं हर सब्ज़ी में कुछ फ़ायदे होते हैं कुछ नहीं होते तो हमको एक अच्छा मिक्स रखना चाहिए वेजिटेबल्स का जो आपने बोला एकदम सही बोला हर दिन अलग सब्जियों और... ज़रूरी भी नहीं है कि आपको हर सब्ज़ी खाने से ही आपको बेनिफिट मिलेगा ऐसा भी नहीं है बट या मिक्सचर रखना चाहिए सब्जियों का कच्ची सब्जी खानी चाहिए कच्ची सब्जी खाने के बारे में मेरा और जूसेस के बारे में मेरा एक स्टैंडर्ड रूल है जैसे काफी लोग दूधी का जूस लेते हैं आई एम अगेंस्ट इट क्योंकि वो सब्जी हम कच्चा नहीं खा सकते जो भी हम कच्ची सब्जी खा नहीं सकते सैलड के रूप में उसका हम जूस नहीं ले सकते स्टैंडर्ड रूल है कुछ ऐसी सब्जियाँ हैं जिन्हें आप कच्चा नहीं खा सकते हाँ कौन सी यही सब जो हम पका के खाते हैं वो सारी कच्ची सब्जी नहीं है दूधी पालक मेरे ख्याल से पालक कच्चा थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है जैसे कि हम जो कच्ची सब्ज़ी खा सकते हैं वो लिमिटेड ही हैं जैसे कैप्सिकम है अनियंस हैं टमेटोज़ हैं कैरट्स हैं क्यूकम्बर गर्किन देन पालक भी ले सकते हैं बट पत्ता गोभी इज़ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल कच्चा खाने के रूप में ब, बीट बीट रूट भी मैं क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप बॉईल करके ही लो क्यों उसमें कुछ ऐसा होता है कि वो सब लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता

बैक्टीरियाज़ को मार देता है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट ये सब सब्जियां आराम से हम कच्ची खा सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं अगर सब्जियों को पकाया तो न्यूट्रिशन कम हो जाती है काफ़ी इन्हांस होती है और काफ़ी कम होती है ऐसा कुछ नहीं है तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन uh, है जो कि हम जैसे ही सब्जी को काटते हैं वो ऑक्सीडाइज़ होने लगता है हवा में तो विटामिन सी के लिए हमको फ्रूट्स खाना चाहिए तुरंत काटा और खा लिया नो प्रॉब्लम एंड बाकी के बी कॉम्प्लेक्सेस जो होती हैं वेजिटेबल्स में वो वाटर सोल्यूबल होती हैं तो वो निकल जाती हैं और जो हम प्रेशर कुक में सब्जी बनाते हैं तो बी ट्वेल्व चले जाते हैं तो प्रेशर कुकिंग से तो, तो सब्जी को कैसे पकाना चाहिए नॉर्मली जो हम खाते हैं कढ़ाई में इनफैक्ट हाँ जो कढ़ाई में आयन की कढ़ाई ले लें जो भी बट नॉट नॉन स्टिक नॉन स्टिक के मैं फेवर में नहीं ओके एड्रेस दिस एक्चुअली नॉन स्टिक के बारे में बताइए क्योंकि बहुत सारी मम्मीज एक्चुअली अगेंस्ट हैं नॉन स्टिक के आज के जमाने में क्यों बिकॉज उसमें कुछ ऐसा कंपाउंड होता है जो कि आपके लिए ठीक नहीं होता जब उसे गर्म कर देते तो उससे वो कंपाउंड आपके फूड में चला जा सकता carcinogenic non stick से दूर रहना चाहिए ग्राउंड रूल उसके बदले आयरन की जो हम सालों से यूज करते आ रहे आयरन की है स्टील की कढ़ाई है नो प्रॉब्लम एल्यूमिनियम भी खराब होता है

ब्रेकडाउन कीजिए आपने पहले इसी पॉडकास्ट में कहा कि दिन में आइडियली सिर्फ एक बार फ्रूट खाना चाहिए फ्रूट के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको मैं एड्रेस करती हूँ सब मुझे पूछते हैं एक ही क्वेश्चन कि फ्रूट्स हम एम्प्टी स्टमक खा सकते हैं सुबह के बिना कुछ खाए सो भूखे पेट सुबह उठ के हमें एम्प्टी स्टमक खाली पेट फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपको पता है फ्रूट्स में फ्लक्टोज होता है शुगर होता है फैट नहीं होता तो सुधा सीधा शुगर स्पाइक होता है फैट गेन हो सकता है शुगर स्पाइक होता है तो अगर आप प्री डायबिटिक हो तो आप डायबिटिक जल्दी से बन सकते हो आप भागोगे उसकी तरफ दूसरा एक ये है कि सबसे फैट गेन फैट गेन का इतना प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आप बोलोगे मैं फ्रूट्स खाऊंगा एक्सरसाइज करूंगा सारा बर्न हो जाएगा विच इज़ ऑल्सो ट्रू बट हमारे शरीर में उसकी वजह से क्या होता है वो सुनना ज़रूरी है तो जब हम फल खाली पेट खाते हैं क्योंकि फ्रूट्स uh, में फ़ैट नहीं होता और uh, बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है तो वो हमारे पूरे जो पाचन का जो पाचन uh, जो इंटेस्टाइन है उन सबसे बहुत जल्दी पास करता है तो पेट से तो आधे घंटे में चला जाता है और चूंकि वो इतनी जल्दी सारे के सारे स्टेजेस क्रॉस करता है और तो उसमें अपने साथ साथ में अच्छी बैक्टीरियाज भी ले जाता है इसकी वजह से हमारी जो गट में जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं एब्जॉर्बशन के लिए जो फ्लोरा फ्लोराफोना होती है वो सारे वीक हो जाते हैं तो हमारी धीरे धीरे हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होती जाती है अगर हम सुबह सुबह एम्टीस्टमक फ्रूट्स लेते हैं तो। वाह ऐस जो भी हमारे पास अगर आके बोलते हैं हमारी बहुत एसिडिटी और गैस है हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आप खाली पेट फल खा रहे हो होता हाँ इसी वजह से hmm. तो हम उसके बाद वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते अगर आपको खाली पेट फल खाना ही है तो उसके साथ में ऐसा एक कुछ ले लें जैसे कि नट्स ले लिया जिससे कि वो उसका एब्जॉर्पन स्लो रहे तो डायबिटीज़ की शिकायत ना हो या डायबिटीज़ होने की शिकायत ना हो और वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो तो आपके गट से धीरे धीरे जाए इंटेस्टाइन से मतलब सुबह खाली पेट अगर फ्रूट्स खाने उसके साथ नट ले लो नट्स ले लो दूध ले लो दही ले लो कुछ भी पर फ्रूट एंड नट चॉकलेट नहीं <laughs> क्योंकि यही मुझे डर फील हो रहा है कि इतनी गाइडलाइंस को सुनने के बाद भी लोग गलतियां करेंगे डाइट में तो फल हम खाने के बाद ले सकते हैं लंच के बाद ले सकते हैं शाम को ले सकते हैं कभी भी ले सकते हैं बट खाली पेट नहीं ओके दिन में कितने बार हमें फ्रूट्स खाने चाहिए अब जो बहुत जो वेट गेन करना होता है उनको हम बोलते हैं आप काफ़ी फ्रूट्स खाओ डायबिटिक्स होते हैं उनको हम कम बोलते हैं और जो वेट लॉस करने वाले होते हैं उनके बोलते हैं एक ही फ्रूट इक्विवेलेंट टू फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव कैलोरीज और कोई भी फ्रूट हो सकता नॉन डायबिटिक्स के लिए कोई भी और डायबिटिक्स के लिए खाली दस बता सकते हो एप्पल <laughs> हाँ, हाँ. जी पैर अनार मतलब सेब नाशपति अनार अमरूद चेरी स्ट्रॉबेरी ऑरेंज पपनस काला जामुन ड्रैगन फ्रूट बचा क्या भर <laughs> दस नहीं सब डायबिटिक आके मुझे यही पूछते हैं पपीता तो खा सकते हैं ना आम पपीता पपीता सबको चाहिए पपीता नहीं खा सकते अगर आप डायबिटिक हो तुरंत शुगर स्पाइक होता है इन सारों में लो जी आए फ्रूट ओके और स्पेशली एप्पल और पेड़ में सोल्यूबल uh, फाइबर होता है जो कि अच्छा होता है ओके okay. पर अगर खाली पेट फ्रूट खाना तो या तो दूध दही या नट्स के साथ खा लो दैट्स फाइन ओके जूसिंग जूसिंग के बारे में बताओ और मैम ये भी बताओ कि uh, ये टेट्रा पैक वर्सेज घर पे जूसिंग इसमें क्या फ़र्क है कोल्ड प्रेसिंग ये सब क्या है अभी अभी जैसे हमारे पास कोई आता है हम जूस उसी को देते हैं जो कि एथलीट्स होते हैं या बच्चे होते हैं जो कि बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं या हम देते हैं वेट गेन के लिए हमारे तीन क्लियर स्पियर्स हैं उनको हम इसलिए देते हैं कि उनको कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज हमको देना पड़ता है बच्चों को स्पेशली प्रोटीन स्पेरिंग इफेक्ट के लिए फॉर द ग्रोथ अगर वो जूस नहीं लेंगे एक्सरसाइज के पहले या बाद में तो उनका जो खाने में जो उन्होंने प्रोटीन खाया दूध खाया वो सब उनका यूज़ हो जाएगा एनर्जी के लिए इंस्टेड ऑफ ग्रोथ विच इज़ हाइट एंड मसल ग्रोथ तो एक तो वो हो गया जूस में बट उसमें हम जूस के बारे में हमारा स्टैंडर्ड थ्योरी यही रहता है, है कि अगर आप जूस निकालते हो तो तुरंत पी लो और अगर आपको चार घंटे बाद बच्चे को देना है तो प्लीज़ टेट्रा पैक दे दो आई नो उसमें इतने गुण नहीं होते जितने कि फ्रेश में होते हैं बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग इसमें हमारी ये थ्योरी होती है बट जूसिंग इट्स इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज उसमें जो फूड का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है और उसका और उसमें जो फाइबर्स भी एक्चुअली बहुत कम हो जाते हैं तुरंत अपटेक होता है शुगर का बॉडी में तो जूसिंग हम जूस कम से कम लेना चाहिए सबको ही दे आर एथलीट कहना आपको Tetra, बोला ना इट्स ओके सपोज अगर आपके पास फ्रेश जूस का पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप हम देते ही नहीं है. Okay. तो एक हो गया कार्ब्स ये नहीं हम फाइबर के बारे में बात करें तो फाइबर भी कट जाता है उसमें तो आई थिंक लोग तब जूस और नींबू पानी पीते हैं जब वो एक शुगर की क्रेविंग होते हैं और उसके साथ वही वो ठंडक की फीलिंग चाहिए रहती बट आप देखो ना नींबू पानी में होगा खाली तीस चालीस कैलोरी बट उतना ही अगर आपने एक गिलास जूस लिया उसमें होगा डेढ़ सौ से दो सौ कैलोरी तो आप यू आर बेटर ऑफ इथ नींबू पानी देन जूस आप नींबू पानी पीते हो कितनी चीनी डालते हो नींबू पानी में अगर टू हंड्रेड एम एल वाटर है तो टू टी स्पून विच इज़ फोर्टी कैलोरीज ओके और आप कब पी दो गर्मी के दिनों में अगर कोकोनट वाटर नहीं मिला तो नींबू पानी ले लेती हूँ बहुत एक्सरसाइज किया बहुत स्वेटिंग किया तब ले लेती हूँ थोड़ा नमक डाल के कोकोनट वाटर इज द बेस्ट ऑप्शन इन ऑल दिस नॉट नेसेसरी नींबू पानी इज ऑल्सो गुड काफ़ी लोगों को गैस होती है कोकोनट वाटर से अच्छा। और कोकोनट वाटर तुरंत खोल के तुरंत लेना चाहिए कोकोनट वाटर से मोटापा बढ़ता है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कोकोनट वाटर डायबिटिक्स के लिए ठीक नहीं है क्योंकि उससे इंडेक्स इज हायर बट उसमें प्रोटीन होता है कोकोनट तो, वाटर हाँ दो सौ में टू पॉइंट ग्राम्स प्रोटीन होता है विच इज़ गुड इट्स वेरी हेल्दी एंड उसमें पोटेशियम होता है तो एनी जो भी डायूरेटिक मेडिसिन लेते हैं उनको कोकोनट वाटर हम जरूर देते हैं बिकॉज उनका बैलेंस करने के लिए उनके यूरिन से निकल जाता है गर्मी के दिनों में स्टैंडर्ड है सबको कोकोनट वाटर दिया जाता है हम, हम बोलते हैं अगर आपको पॉसिबिलिटी तो आप ले लीजिए इसमें बहुत गुण होते हैं कोकोनट वाटर में आपको पता है ना नारियल इज़ श्रीफल hmm. वो हमारे रिलीजन हिंदू रिलीजन में हर चीज़ में हर चीज़ में नारियल यूज़ होता है तो उसमें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं प्रोटीन होता है डाइजेशन को ठीक रखता है अगर आपको गैस नहीं होती तो गर्मी के दिनों में तो रोज़ लेना ही चाहिए एक ओके अब हम के बारे में बात करेंगे अच्छा फाइबर का एक चीज़ बता दूँ तो सोल्यूबल फाइबर से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और जो नॉर्मल फाइबर जो हमको सब्जी से और काफ़ी ग्रेन से मिलता है उससे कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता एक मिनट दो टाइप के फाइबर होते हैं सोल्यूबल एंड नॉन सोल्यूबल इनसोल्यूबल में कैलोरीज नहीं होती वो हमारे शरीर से निकल जाता है एंड सोल्यूबल फाइबर में से कोलेस्ट्रॉल कम होता सॉरी मैम लोग जब फाइबर का नाम सुनते हैं दे थिंक ऑफ ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो उस परस्पेक्टिव से समझाइएगी सोल्यूबल और इनसॉल्यूबल में फ़र्क क्या है और बॉडी में क्या इफ़ेक्ट्स uh, होते हैं उनके तो हमारे पास काफ़ी ये भी लोग बोलते हैं कि हम रोटी वगैरह नहीं खाएंगे आ, क्योंकि हम सब्जी खा रहे हैं तो हमको बहुत फाइबर मिल रहा है बट जो बल्क ऑफ द स्टूल इज़ एक्चुअली फ्रॉम रोटी व्हाट यू ईट काब्स व्हाट यू ईट गेहूँ ओट्स राइस मिलेट्स बाजरा जवार इससे हमको बल्क ऑफ द स्टूल इनसे बनता है न कि फ्रूट्स एंड उनसे वो तो 98 परसेंट तो वाटर होता है वो उसमें कितना फ़ाइबर मिलेगा आपको ठीक है तो सबसे पहले सबको ये समझना चाहिए उसमें से किस में सोल्यूबल फ़ाइबर होता है दालों में सोल्युबल फाइबर होता है इसलिए किसी को भी कोलेस्ट्रॉल होता है तो हम उनको दाल जरूर देते हैं एक मील में क्योंकि उसमें अब्जॉ उनकी कोलेस्ट्रॉल बेटर हो जाती है दूसरा ओट्स में सोल्यूबल फाइबर होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बल्क ऑफ द स्टूल को बढ़ाता है एंड पल्सेज uh, uh, हो गए ये हो गए एंड फ्रूट्स में एप्पल एंड पेर में सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं तो दीज आर वेरी गुड कितना खाना चाहिए अमाउंट्स क्या होने चाहिए दोनों से इन सोल्यूबल वर्सेज सब्जी के बारे में हम सब कहते हैं कि मिनिमम इतना तो हमको पकी हुई सब्जी लंच में लेनी चाहिए इतनी हमको डिनर में लेनी चाहिए ओके बोल टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड एम जी कुक्ड वेजिटेबल विथ स्पाइसेस स्पाइसेस के बहुत फ़ायदे होते हैं कभी स्पाइसेस गिव अप ना करें और जो रोटी वगैरह होती है उसका हमारा स्टैंडर्ड होता है कि एनीथिंग uh, बिटवीन रोटी और राइस के बारे में वेट लॉस करना है तो तीस ग्राम से लेके पचास ग्राम तक एक मील में मैक्सिमम जैसे फॉर मेन इट शुड बी 50 ग्राम्स फॉर वीमेन इट कैन बी 30 टू 35 फाइव ग्राम्स ऑफ रॉ आटा या गेहूँ या राइस रॉ विदाउट कुक सब्जी का मैंने बता दिया और दाल होती है इट शुड बी अराउंड द सेम क्वान्टिटी एज़ रोटी और राइस और आई वुड प्रिफर अगर वो दही लें एज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन फॉर लंच और डिनर या पनीर लें तो दैट इज़ अ बेटर कॉम्बिनेशन तो अगर अगर आपको मैं मेरा आहार बताऊं तो ब्रेकफास्ट में अगर मैं आ, प्रोटीन बैलेंस करती हूं तो मेरे तीन तरह के ब्रेकफास्ट में खाती हूं या तो मूंग एंड थेपला या एग एंड टोस्ट या दही और पराठा ये तीन मेरे स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट ऑप्शन हैं या पनीर टोस्टी ठीक है उसमें प्रोटीन फैट काब्ज एंड फाइबर का ऑप्शन है अब वेज हो एम एगिटेन में चिकन में कम खाती हूँ बट खाती हूँ बहुत कम ओके okay. अगर मुझे प्रोटीन नहीं मिलता तो ही चिकन खाती हूँ जी देन लंच में आपको मैंने बताया मेरे आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से दो चपाती या इतना राइस एंड साथ में या तो इतना दाल सेम क्वांटिटी दाल एंड वेजिटेबल इतना ही एंड जो uh, दाल नहीं लिया तो दही ले लेती हूँ इतना ही सो दिस इज़ माय लंच इवनिंग स्नैक्स में कुछ भी ले लेती हूँ uh, कभी थोड़ा सा भेल या कोई बिस्किट या मेरे जो स्नैक्स है मेरे सेल्फ केयर के वो सब स्नैक्स ले, ले लेती हूँ और डिनर इज़ ऑलमोस्ट लाइक लंच Okay. Okay. लोगों ने डाइट लिख लिया okay. <laughs> यही चाहिए था दिस इज ओनली फॉर वुमस डाइट हु इज नॉट प्रेग्नेंट हुई हाइट माई वेट विध माई हेल्थ इशूज बट ऑफकोर्स इट विल चेंज फॉर एवरी जो सब्जियाँ आप पका के खाते हो, उसमें आप तेल या घी कितना डालते हो? सो so, वो मैं बोलती हूँ कि आ, आप उसको कम ना करें आपको फ्राइड खाना अपने खाने से निकालना है स्पेशली कमर्शियली फ्राइड फूड उसमें बहुत ख़राबियाँ होती हैं बिकॉज़ वो एक ही तेल में बार बार फ्राई करते हैं तो जिससे कि कार्सिनोजेनिक हो जाता है वो ऑयल तो अगर आप फ्राइड अवॉइड कर रहे हो तो और आपके खाने में आप नॉर्मल तेल जो यूज़ कर रहे हो तो आप नॉर्मल यूज़ करो बहुत कर, स्प्रे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जितना कि आपको छोंकने के लिए या बघाड़ लगाने के लिए चाहिए और सब्ज़ी को पकाने के लिए चाहिए उतना यूज़ कित, कितना होता है एक बार थोड़ा वो बता दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तेल ले लेते हैं नहीं बहुत कम भी लेते हैं ऐसे भी लोग हैं हमारे पास मेरे घर पे जो मेरे कुक हैं बहुत बढ़िया कुक है आ, पर एक दिन मैं बस उनके साथ किचन में रहा कि आप क्या करते तो दिखाओ मैंने देखा कि पाँच छः स्पून घी के डालते थे एक, एक एक पनीर के इसके लिए सो आई लाइक ओके दैट्स व्हाई पर एनीवे वे पॉइंट इज आई थिंक बताना ज़रूरी है mm -hmm. कि सपोज uh, आपको पनीर पकाना फॉर वन मील फॉर लंच इससे बेटर होगा मैं हर जन का रिक्वायरमेंट बता दूं फैट का पर मंथ श्योर बिकॉज हम जो तेल का खरीदते हैं पाँच लीटर का डब्बा तो एवरी वन नीड्स बिटवीन फाइव हंड्रेड टू वन लीटर ऑफ ऑयल इन अ मंथ इफ अगर आपके सारे मील्स घर ही हो रहे हैं और जो घी की मात्रा होती है वो हमको अगर आप दूध दही ले रहे हैं या आप चिकन खा रहे हैं तो हमको कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है तो वो वाला फैट हमको मिल जाता है तो घी अगर आपको यूज करना है तो बटर के रूप में टोस्ट में ले लिया या बाकी का अगर आप दूध ही ले रहे हो तो घी किसी में लेने की जरूरत नहीं है बिटवीन 500 हंड्रेड एम एल टू वन लीटर इज इनफ फॉर अ पर्सन इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट स्टिक टू द लोअर साइड एंड इफ यू वॉन्ट टू गेन वेट गो टू द हायर साइड ओके फिर डिवाइड कर दो नहीं दैट इज फॉर वन पर्सन बट ओवर वन मंथ ओवर वन मंथ ओके तो देख लो कि कितने मील्स खा रहे हो और फिर डिवाइड ओके okay. प्लस अगर आप बाहर का खाना खा रहे हो तो ये जानो कि उसमें एक कटोरी तेल होता है जैसे आप पांच जनों की सब्जी बना रहे हो जी तो इतनी सब्जी बना रहे हो तो उसमें एक से डेढ़ टेबल स्पून ऑयलेना hmm. ये भी ये भी बताओ कि जब आप बाहर का खाना खाते हो जैसे चाइनीज खाने जाते हो या बटर चिकन बटर पनीर खाने जाते हो मैंने नोटिस किया कि उन किचन में टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा फैट डाला जाता है क्योंकि फैट इज़ फ्लेवर तो जो बाहर का खाने का स्वाद रहता है वो स्वाद क्यों आ रहा है ये भी सोचो एक बार या फॉर फैट बहुत ज़्यादा होता है हिडन फैट होता है मैं एक बार कि, एक आई हैड गॉन टू वन होम स्टे शिमला में तो मैं उनके किचन में गई वो uh, पनीर टिक्का बना रहा था सब्जी के साथ में है ना तो मैंने देखा उसने पता क्या करा कैसे पनीर टिक्का इतना टेस्टी होता है क्योंकि उसमें मसाला तो बहुत कम होता है उसने मैरिनेट किया और उसके बाद इतना सारा जो कड़वा तेल बोलते हैं ना उसको मस्टर्ड ऑयल hmm. इतने से पनीर टिक्के में इतना सारा ऑयल डुबा दिया तो हमको पता भी नहीं चलता हम बाहर रेस्टोरेंट में कितना फैट hmm. खा रहे होते हैं थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता uh, जब मैं डाइटिंग के फेज में रहता हूँ जैसे कि अब हूँ अगर मुझे बाहर खाना फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई अवॉइडिंग एज मच एज आई कैन अगर मैं बाहर भी जाऊँ तो ग्रीन टी पी लेता हूँ बट ये थोड़ा पागलपन है मेरा क्योंकि मैं एक ऑन स्क्रीन पर्सन हूँ पर अगर मुझे बाहर कुछ खाना होता है आई ट्राई लुकिंग फॉर अ पनीर टिक्का

जो With पनीर है उनका ही प, उनका हाँ उनका पनीर है।, पनीर है उसके साथ में टमेटोज दे लिया देन यू कैन हैव एज अ प्रोटीन एंड अगर आप इंडियन फूड के लिए गए तो पनीर इज़ गुड ऑप्शन पनीर टिक्का इज़ दी ओनली गुड ऑप्शन एंड चाइनीज चाइनीज में टोफू दैट दैट्स द ओनली वेजिटेरियन हो ना आप तो टोफू रह गया और क्या रह गया कुछ भी नहीं है <laughs> और कौन से कुजीन्स होते हैं <laughs> यही कुजीन्स होते uh. हैं आई गेस इंडिया में स्पेशली ओके okay. uh, आप ये मानते हो कि जो चीट मील्स होते हैं या बाहर खाने जाते हैं फैमिली के साथ एक वीक में कितनी बार खाना चाहिए वंस वेट लॉस है तो वंस बिकॉज यू नीड एक्चुअली गेट फ्रॉम आउटसाइड यू डोंट वांट एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन सिस्टम और अदरवाइज थ्री टाइम्स टू टू थ्री टाइम्स इज ओके टू टू थ्री टाइम्स। बट आजकल ट्रेंड है रोज खाने का प्रॉब्लम यहीं पे है ना सब स्विगी से मंगा रहे हैं आई थिंक ये ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है आ, क्योंकि एक बटन से आप खाना मंगा सकते हो एक बटन से पेमेंट भी कर सकते हो तो आ, लोग बहुत इजिली ये चीज़ कर रहे हैं बिना ये समझे कि लॉन्ग टर्म हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है आई एक्चुअली थिंक द कोर लॉजिक सारी चीज़ों का जो कोर लॉजिक है अगर फैट लॉस आपका गोल है कोर लॉजिक ये होना चाहिए कि हाउ टू अवॉइड क्रेविंग्स या क्रेविंग्स अपने आप कम हो जाएगी अगर आप फोर आवर्स वाला फॉलो करोगे एंड विथ इंटरेस्टिंग फिलर्स इन बिटवीन हम किसी को ये नहीं कहते कि आप घर का रूखा सूखा दाल वो खाओ इसकी वजह से मैंने uh, तीन बुक्स लिखी हैं अभी तक फर्स्ट वन वॉज डोंट डाइट डाइट मेरे को ऐसा लगा कि लोग अपने डाइट को बहुत ज़्यादा ही डाइट कर रहे थे तो मैंने एक वो बुक लिखा उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जैसे कि दाल पकवान है और उसमें छोला है सब कुछ हम लोग ने डाला कि आप इंटरेस्टिंग खाना भी खा सकते हो डाइट में रह के नेक्स्ट बुक हम लोग ने अनजंग लिखी उसमें हम लोग जंक फूड को अनजंग किया तो जैसे कि बर्गर है मैं नहीं कहती आप बर्गर ना खाओ बर्गर में एक वेजिटेरियन हो तो बर्गर में आप उसके टिक्की में पनीर डाल दो या टोफू डाल दो ठीक है बैलेंस करने के लिए और केसरिया है वेजिटेरियन केसरिया में क्या डाल सकते हैं बेग बीन्स एंड चीज़ डाल दो बैलेंस हो गया इसी और शेपुरी है तो हम लोग ने शेपुरी की भी रेसिपी दी उसमें आप दही एंड मूंग डाल के ककड़ी पे डाल के ले लो इसी तरह से हम लोगों ने बहुत इनोवेटिव रूप में वो किताब लिखी थी और वो बहुत यूज़ आती है तो इंटरेस्टिंग खाना खा के हमको वेट लॉस करना चाहिए हमको खाली रूखा सूखा घर का खाना खा के नहीं तो यही हमारा थीम रहता है ग्राउंड रूल है कि अगर फैट लॉस आपका गोल है तो हफ्ते में एक बार बाहर का खाना खाना चाहिए खाना चाहिए पर अगर वो क्रेविंग आई उन बाकी छः दिनों में यूज़ करें ना बुक ओके okay. <laughs> यही लॉजिक है नहीं I mean, आई मीन आप घर पे ही इंटरेस्टिंग खाना बना सकते हो इतनी सारी रेसिपी ऑनलाइन मिलती है आप कुछ भी टाइप करो यूट्यूब में यू गेट द रेसिपी आप खाली प्रोटीन फैट काब्ज एंड फाइबर का बैलेंस करके जैसे आपको पाव भाजी खानी है आप कैसे खाओगे पाव भाजी काब्ज है और काब्ज है उसके साथ में दही ले लो सिंपल है hmm. राइट hmm. इस तरह से बैलेंस करना चाहिए हमें ah. इडली सांभर इज अ वेरी वेल बैलेंस्ड मील जो आपकी आप मंगा के खा सकते हो मेरा एक बहुत कठोर लॉजिक है यहाँ कठोर लॉजिक ये है कि दो हफ्तों के लिए ना कोई भी डाइटिंग फेज मुश्किल रहता है और तीसरे हफ्ते तक आसान हो जाता है एटलीस्ट ये मैं मैंने मेरी खुद की मैंटालिटी से हमेशा नोटिस किया कि दो हफ्तों के लिए बहुत क्रेविंग्स होती है बाहर का खा खाने का मूड रहता है ऑर्डर करने का मूड रहता है बट समहा बीट दोज टू वीक्स फिर थर्ड वीक तक ईटिंग क्लीन बिकम्स ईजी बट ये मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि मेरे डाइट बहुत हार्ड 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 हाँ, हाँ डाइट फॉलो करते हो हाँ, पर मैं साल भर डाइट नहीं फॉलो करता अगर कोई शूट है या कोई मोटिवेशन रहनी चाहिए जिसकी वजह से आ, हाँ कोई शादी के लिए करता है मतलब शादी में जाने के लिए कोई कपड़े पहनने के लिए या कोई शूट के लिए या कोई पिक्चर के लिए कोई मॉडलिंग के लिए या आई थिंक खुद को ना कहने में थोड़ी ताकत होती है स्टील इन योर ब्रेन वो विल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और यही लोग मुश्किल फाइंड करते हैं और मेरा एक और लॉजिक है कि मैं घर पर कोई भी प्रोसेस चीज़ नहीं लाता फ्रिज oh. में और कहीं भी नथिंग इन अ पैकेट आई थिंक ये बहुत अच्छा कहा आपने मैं भी मेरे क्लाइंट्स को यही कहती हूँ कि आप आ, घर में अगर फ्रेश पकाने की सहूलियत है तो आप फ्रेश पकाएं आ, नूडल्स भी खाना है तो इंस्टेंट नूडल्स की जगह आप नूडल्स मंगा के उसको बॉईल करके यूज़ करें और जो भी फ़रसान है जो फ्राइड है उसको घर पे ना बुलाएं और जितना फ्रेश यूज़ करेंगे उतना सबसे अच्छा होगा मैं भी कुछ पैकेट्स का तो मैं बहुत कम ही खाती हूँ आई फील ये काब्स का एंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल लोग जानने लगे हैं कि शुगर को कैसे हैंडल करना चाहिए कोल्ड ड्रिंक से दूर रहना चाहिए वग़ैरह पर काब्स को समझ नहीं पाए जो मैंने कहा कि मैं प्रोसेस खाना नहीं लाता घर पे उसका भी रीज़न यही है कि ज़्यादा मैदा होता है अक्सर प्रोसेस खाने में जो स्नैक्स हम बाज़ार से ख़रीदते हैं या जो चीज़ें पैकेट से निकलते हैं या इंस्टेंट नूडल्स बहुत ज़्यादा मैदा होता है अगर आपने लोग से कहा कि मैदे को अवॉइड करो वो समझ लेते हैं बट थोड़ा सा काब्ज का लॉजिक समझना भी ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग मेरा पहला सवाल आपके लिए ये है कि जितने भी क्लाइंट्स आपके पास आते हैं क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से समझते हैं या नहीं और उस आपके वो फोर मील्स के चार्ट में आप कैसे समझाते हो कार्बोहाइड्रेट्स को तो so, कार्बोहाइड्रेट्स uh, का ऐसा है कि हम 50% परसेंट पे सबको रखते हैं जी. जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है अगर हम कुछ भी कैलरीज 50% परसेंट हम दिन भर में कार्ब्स देते हैं ना कार्ब्स क्या होता है कि हमें केवल रोटी राइस ब्रेड कुरबरा पिज्ज़ा पास्ता इन सब से ही नहीं मिलता काब्स हमें वेजिटेबल से भी मिलता है इन वेजिटेबल्स आर ओनली काब्स फ्रूट्स आर ओनली काब्स वेज में थोड़ा प्रोटीन होता है फ्रूट्स में तो बहुत ही कम प्रोटीन होता है एंड हमको काब्स दूध से भी मिलता है कुछ अमाउंट इज़ इन द मिल्क जहाँ पर काब्स नहीं होता बिल्कुल भी इज़ नॉन वेज एग चिकन फिश मीट उनमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता इट्स ओनली फैट एंड प्रोटीन नाउ एज मैंने आपको बताया था कि काब्स के वजह से ही जो काब्स मतलब अनाज होते हैं जो कि कोई भी मिलेट्स हुआ और कोई भी ग्रेन्स हुआ सब में काब्स होता है दालों में भी काब्स होता है तो दिस इज़ वॉट मेक्स द बल्क ऑफ योर स्टूल तो आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है या हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो इसके लिए हमको उनको हर मील में कुछ ना कुछ काब्स देना पड़ता है बट हम लोग कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं काप्ज़ देने में कभी हम देखते हैं एक्टिविटी क्या है जो भी हमारे पास कोई क्लाइंट आया या पेशेंट आया तो उनकी एक्टिविटी लेवल क्या है उनकी एक्टिविटी ज़्यादा अगर शाम की तरफ है तो हम उनको डिनर पर भी काब्ज देते हैं और अगर उनकी एक्टिविटी शाम के तरफ से कम हो जाती है तो हम डिनर में काब्स कम देते हैं और काफ़ी लोगों को बिना काब्स खाए नींद नहीं आती तो उनको हम जरूर से डिनर पर कार्ब्स देते हैं तो एक मिथ है कि हमको कार्ब्स पर डिनर पर तो काब्स खाना ही नहीं चाहिए हम बिलीव ही नहीं करते उस बारे में इट इज़ टू जैसे सबकी हाँ टू इज ओन सो इस पर हम बिलीव करते हैं तो uh, काब्स मेरे ख्याल से इंस्टेड ऑफ टेकिंग Uh, जैसे अगर मुझे मन करेगा तीन चपाती खाने के लिए आई शुड स्टॉप एट टू अगर मेरे को इतना सारा राइस चाहिए तो आई विल ईट दिस मच तो काप कंट्रोल करना चाहिए ओमिट नहीं करना चाहिए बिकॉज लोग पागल हो जाते हैं काप्स के साथ दस रोटियाँ खाते हैं इतनी ज़्यादा बिरयानी खाते हैं या बट हमारे पास अभी आजकल ज़्यादा काब खाने वाले कोई नहीं आ रहे है. अच्छा हाँ अभी एक एक ही हम लोग कल ही हम लोग ने एक क्लाइंट को कंसल्ट किया हु वन फिफ्टी के अभी वो जो खाना खा रहा है और हमने जो उसको दिया है ज़्यादा काब्ज़ दिया है क्योंकि क्या हो रहा है कि जो वो लोग को लगता है उनको रोटी दो ही खानी चाहिए तीन ही खानी चाहिए बट आप अपने शरीर का साइज़ देखो तो मैंने उसको पांच रोटी दी है खाने के लिए उनकी इतनी ज़रूरत पड़ेगी हमारा एक ही एम होता है काब्स देने के पीछे कि आप डिविएट ना करो आप Uh, अपने आप को मतलब चीट ना करो डाइट पर दैट इज़ द मेन थिंग राइट हमने आपको कैलोरी काउंट डाइट दिया है ब्रेकफास्ट में आपको दो टोस दिया लंच में दो चपाती इवनिंग स्नैक्स में थोड़ा कुरमरा दिया जो भी दिया डिनर पे काब्ज दिया अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो आपके पास काब्स कम है और आप मीठा खा रहे हो या काब्स बढ़ा के खा रहे हो तो वो द पर्पज इज लॉस्ट इसके लिए हम लोग सफिशियंट काब्स देते हैं अफकोर्स काब्स हमको कम करना पड़ता है बिकॉज अल्टीमेटली काब्ज़ कम होता है तभी तो फैट बर्न होगा जी ठीक है द फॉर्मूला ऑफ वेट लॉस इज थाउजेंड हंड्रेड कैलोरीज जब हम एक, एक किलो के लिए कम करने के लिए हमको 7,700 थाउजेंड हंड्रेड कैलोरीज डेफिसिट मिलना चाहिए हमारा काम होता है पर डे डेफिसिट क्रिएट करना थ्रू द एक्सरसाइज तीन सौ कैलोरी एंड थ्रू दी डाइट अनदर 4500 कैलोरी हमें पहले मेंटेनेंस के बारे में बात करना <laughs> पड़ेगा पेट्रोल आपको खाने से मिल रहा। पेट्रोल को मान लो हम कैलोरी कहेंगे बेसिकली एक रहते जो आपके वेट मेंटेनेंस के लिए अगर उससे ज्यादा कैलोरीज खाए तो वेट घट जाता है और अगर कम खाए तो वेट घटेगा तो आप कह रहे हो कि एक किलो घटाने के लिए सात हजार सात सौ कैलोरी कम का डेफिसिट चाहिए कमी चाहिए जी मतलब ये आप डिवाइड कर सकते हो एक हफ्ते में भी एक महीने में भी एक साल में भी नहीं जनरली एक से हम हमारा इसमें भी एक थ्योरी है कि अगर आपको वेट लॉस करना है इट शुड बी एक वन परसेंट ऑफ योर बॉडी वेट पर वीक वन परसेंट ऑफ बॉडी वेट पर वीक तो अगर आप सत्तर किलो के हो तो सात ग्राम हर हफ्ते हर हफ़्ते इज़ द मैक्सिमम यू शुड लूज़ उससे ज़्यादा आपने कम किया तो इसका मतलब आप मसल लॉस कर रहे हो या इम्यूनिटी कम हो रही है या आप बीमार पड़ जाओगे तो हमारा एक स्टैंडर्ड रूल है अगर मेरे पास जैसे हमारे यहाँ बारह से पंद्रह न्यूट्रिशनस्ट हैं अगर कोई भी क्लाइंट का ज़्यादा वेट लॉस होता है वो सीधा पेपर लेके मेरे पास आती हैं कि मैम इनका वेट लॉस ज़्यादा हो रहा है कहाँ पर क्या करना है तो अक्सर क्या होता है गलती क्या होती है उसमें तो उसमें इसके मतलब हम लोग के कैलोरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई उनमें मसल ज़्यादा होगा तो हम लोग को तुरंत डाइट चेंज करके कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करने पड़ते हैं या वो क्लाइंट फैट नहीं डाल रहा है अपने खाने में सबको लगता है कि हम डाइट पर जा रहे हैं तो ऑयल तो नहीं लेना चाहिए तो हमको वो सब री करना पड़ता है सो दिस इज़ अबाउट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल प्रोटीन सफिशियंट इनफ फ़ैट्स एंड इनफ फाइबर इज़ वो आपको हेल्प करेगा अपने वेट को कम करने के लिए okay. एक इंडियन परस्पेक्टिव से सबसे जो कॉमन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं रोटी राइस चावल आई डोंट नो कितने लोग मिलेट्स खाते हैं आजकल जो आ आज सभी मिलेट्स खा के आ रहे हैं मेरे पास अच्छा उनको लगता है गेहूं तो जहर है क्या गेहूं जहर है <laughs> नहीं द किंग ऑफ ग्रेन्स इज गेहूं तो गेहूं की कहानी ये है कि जो गेहूं में सबसे ज़्यादा वाई इट इज़ कॉल्ड किंग ऑफ ग्रेन्स क्यों इसको हम राजा बताते हैं सब अनाज का क्योंकि उसमें कुछ वाइटमिन्स होते हैं कि बाकी ग्रेन्स में नहीं होते जैसे आपने वो पिक्चर देखी थी धनक आ, जिसमें कि एक बच्चे को ब्लाइंडनेस हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस बिकॉज उसकी सौतेली माँ ने उसको बचपन से गेहूं का आटा न, की रोटी नहीं दी केवल मिलेट्स की रोटी दी तो इट इज़ अ वेरी उन्होंने ऐसा दिखाया था बट गेहूं में भी कुछ फ़ायदे होते हैं जो कि दूसरे में नहीं होता है तो हमको खाली ट्रेंड के लिए मिलेट ये गेहूं नहीं छोड़ देना चाहिए अगर आप जो भी चीज़ को छोड़ दोगे तो आपका बॉडी उसको पचाना कम कर देगा या बंद कर देगा तो हम कभी किसी क्लाइंट के खाने में से कुछ को ओमिट नहीं करते चाहे पल्सेस हो चाहे नॉनवेज हो चाहे चिकन हो चाहे दूध हो चाहे दही हो चाहे चीज़ हो हम बोलते हैं आप कुछ भी ओमिट ना करें क्योंकि आप वो बंद कर देंगे तो आपका बॉडी उसको धीरे धीरे पचाना बंद कर देगा इसी तरह से गेहूँ है गेहूँ हम लोग चूंकि सब सालों से गेहूँ की रोटी खा के बड़े हुए हैं मिलेट्स की रोटी हम नहीं खाते थे आपने भी आप भी तो बहुत गेहूँ खाया लाइफ में <laughs> सो so, अगर आप उसको खाना बंद कर दो कि तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो जाएगा या उस उसमें आप नहीं इतने अच्छे से पचा पाओगे ब्लोटिंग हो जाएगी तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि आप कोई भी ग्रेन पे कॉन्सेंट्रेट मत करो हैव अ मिक्स ऑफ ग्रेन्स जाड़ों में आप बाजरा खाओ थोड़ी गर्मी देता है गर्मियों में आप चावल या गेहूं की रोटी लो तो कोई भी चीज़ को बंद नहीं करना चाहिए दैट इज़ अबाउट द कार्बोहाइड्रेट जुआर रागी इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है सब में कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है हम लोग ने पूरा मिलेट्स पे एक वो भी किया था रागी में आयरन एंड कैल्शियम ज़्यादा तो होता है ज्वार में फाइबर थोड़ा ज़्यादा होता है बट ऐसा नहीं कि गेहूं में फाइबर नहीं होता है बट गेहूं के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि लोगों को पता होना चाहिए वाई गेहूँ हैज़ बिकम द बैड बॉय उसका रीज़न है ये जो ग्लूटेन फ्री एंगल बताइए गेहूँ खराब नहीं है गेहूँ की पैदावार खराब है क्योंकि आ, आपको पता है कि जो हम कोई भी चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमको फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने पड़ते हैं और तो वो फर्टिलाइज़र्स की जो यूज़ कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा केमिकल्स है कि हमारी जो सॉयल है मिट्टी है वो खराब हो गई है तो उसकी वजह से जो जिंक और जो भी वाइटमिन होने चाहिए उसकी क्वालिटी कम हो गई है तो वी हैड अ क्लाइंट जो कि शी वॉज दी एग्रीकल्चरल इंजीनियर और साइंटिस्ट शी वॉज द साइंटिस्ट तो उन्होंने बताया कि हम ऑल ओवर इंडिया पे हमारे हमने इस पर काम किया है सब जगह पर हमारी मिट्टी में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड डालने की वजह से अभी जो पैदावार हो रही है उसमें आ, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं होते फॉर द गुड न्यूट्रिशन या गुड क्वालिटी इसके वजह से जो ग्रेन्स एक्सपोर्ट होते थे वो कम हो गए हैं बिकॉज सारी जगह रिजेक्ट हो रहे हैं आपको पता है कि बैर करके जो जर्मन कंपनी ने जो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड बनाए हैं वो हम जर्मन से लेते हैं बट जर्मनी विल नॉट एक्सेप्ट एनी इम्पोर्ट ऑफ ग्रेन्स टू देयर कंट्री बिकॉज इट हैज हाई लेवल्स ऑफिसाइड पेस्टिस कैन यू इमेजिन तो यूरोप इज द ओनली कंसोर्टियम जो कि अवॉइड करता है जिसमें पेस्टिसाइड ज्यादा होते हैं वो सब फूड को इम्पोर्ट नहीं करता पर हम भारतीय ठूस के खा रहे हैं बट द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दिस वो लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं जो कि जिसकी वजह से हम लोग पहले जैसे यूज करते थे uh, गोबर तो दे आर ट्राइंग टू गो टू नेचुरल फर्टिलाइजर्स और क्वालिटी बट इट विल टेक उन्होंने बताया जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है कि 20 से 25 साल लगेंगे ओके okay. तो मैम अगले 25 सालों के रोटी खानी चाहिए या नहीं अभी क्या है आप इतना पोल्यूशन इतनी हवा ऐसी लेते हो तो क्या है क्या तो मजबूत है yes. बट हाँ, कोशिश करके हमको आ, अच्छी क्वालिटी का गेहूँ यूज करना चाहिए बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू गेट अच्छी क्वालिटी गेहूँ उगाओ <laughs> 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 हफ्ते में कितनी बार रोटी खानी चाहिए रोज़ खानी चाहिए कितनी बार की? आ, जैसे आपने कहा कि अनाज भी अलग अलग लेना चाहिए तो दैट्स वॉट आई यूजली फोकस ऑन की एक दिन नाचनी ज्वार चावल hmm. गेहूँ मैं गेहूँ दो तीन बार खाता हूँ क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो hmm. वो लाइक दैट्स चाइल्ड हुड फॉर मी पर ये सही है जो मैं कर रहा हूँ नो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में उन सबको पहचानने की शक्ति अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप सब तरह का ग्रेन्स खा रहे हैं मुझे गलत फील हो रहा है कि मैं आपसे फ्री कंसल्टेशन ऑलवेज वेलकम आप इतना अच्छा कर रहे हो सबके लिए तो ये तो बहुत कम रूप में आपको मैं कुछ दे पा रही हूँ वैसे आज तो ये मोर मोस्टली वीमेंस ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन है uh, बट मे बी मे बी एट समय फ्री कंसल्टे लूंगा mm. I, I कि कुछ तो न्यूर्स होंगे बहुत सवाल है उस टॉपिक को लेकर और वो नहीं पूछूंगा क्योंकि आज लोगों को डाइट के बारे में जानना तो ग्राउंड रूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज गेहूं ओके टू है अनाज बदलते रहो बदलना आपकी मर्ज़ी पर है मैं इसमें वापस से मेरा एक ही डायलॉग होता है कि खाओ मनपसंद अगर आपको गेहूं पसंद है तो आप खाइए मैं मना नहीं करने वाली आपको बाजरा पसंद है तो वो खाइए कोई महाराष्ट्र ने आता है वो ज्वार भाखरी खाता है ए सेट गो अहेड कोई राजस्थान से आएगा जो कि बाजरा खा रहा होगा ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पर जो उगता है वो खाओ लोकल प्रोड्यूस खाना अच्छा होता है अगर हर दिन राइस खाया तो मैं तो लंच एंड डिनर में राइस ही खाती हूँ कुछ प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं आई एम नॉट डायबिटिक डायबिटिक्स नहीं खा सकती हाँ ये ये बता दीजिए hmm. अगर अगर किसी को फैट लॉस करना है तो राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है ब्राउन ब्राउन राइस 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 में फाइबर ज्यादा होता है तो उसमें दैट इज आल्सो गुड अगर कोई ब्राउन राइस का स्वाद अच्छा लगता है आप खा सकते हो पर फर्क होता ब्राउन राइस वाइट राइस लो इंडेक्स तो अगर फैट लॉस करना है तो फिर <laughs> वो जो आपको मन है वो खाएं हम लोग किसी भी ब्रेड, ब्रेड, ब्रेड तो क्वांटिटी ना उसमें आ, कैलोरी तो उतना ही होता है मैदे को लेकर आपकी क्या राय है मैदा में फाइबर नहीं होता तो वो हम प्रिफर नहीं करते देने के लिए बट अगर कोई आता है हमारे पास वो बोलता है कि हमको तो वाइट ब्रेड ही खाना है हम ब्राउन ब्रेड नहीं खाना चाहते आई सेट गो हैड क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ ब्राउन ब्रेड एंड वाइट ब्रेड के बारे में आपने कभी थिनली स्लाइस्ड ब्राउन ब्रेड देखा है थिनली स्लाइस्ड वाइट ब्रेड तो अगर आप दो टोस्ट खाते हो अगर आप वाइट टोस्ट खाओगे उसकी जगह आपने उसको चेंज करके होल व्हीट ब्रेड कर दिया तो आपको पता है आप ऑलमोस्ट डबल या एटलीस्ट हाफ टाइम्स मोर कैलोरीज खा रहे हो फर्स्टली hmm. कैलोरीज ज़्यादा होती हैं होल वीट ब्रेड में सेकेंडली उसमें केमिकल्स ये जो प्रेजर्वेटिव ज़्यादा होते हैं बिकॉज होल व्हीट ब्रेड में जो गेहूं का कर्नल जो बोलते हैं सीड होता है और उसकी वजह से उसकी रैंस मतलब वो जल्दी ख़राब हो जाता है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसमें ज़्यादा स्टेबलाइजिंग एजेंट डालने पड़ते हैं तो आपको पता है कि होल वीट ब्रेड में ज़्यादा वो सब होते हैं जो कि वाइट ब्रेड में नहीं होते विच इज़ नेचुरली उसमें ज़रूरत ही नहीं होती स्टेबलाइजिंग जान डालने क्योंकि उसमें वो वीट का कर्नल नहीं होता सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट आपको पता है कि होल वीट ब्रेड में उनको ग्लूटेन का पाउडर डालना पड़ता है टू हैव द दाँ कि उसकी स्पॉन्जीनेस के लिए जो कि मैदे की ब्रेड में नहीं होता तो एक्चुअली यू आर टेकिंग मोर ग्लूटेन एज अ पाउडर इन होल व्हीट ब्रेड देन यू आर टेकिंग फॉर वाइट ब्रेड तो एक तो हो गया कैलोरीज भी ज़्यादा दूसरा हो गया केमिकल्स भी ज़्यादा तीसरा उसमें शुगर भी ज़्यादा होता है क्योंकि नेचुरली इतना मीठा नहीं होता मैदे की वजह से तो आपने शुगर भी ज़्यादा होता है और तीसरा पैसे भी ज़्यादा होते हैं और चौथा फोर्थ या फिफ्थ वाट एवर पॉइंट आप अगर आपके घर में अगर स्टाफ है और आपने अगर ब्राउन ब्रेड मंगाया है वो अपने लिए वाइट ब्रेड ही मंगाएगा वो ब्राउन ब्रेड नहीं खाएगा या होल व्हीट ब्रेड नहीं खाएगा तो आपको चार दिन का पुराना होल व्हीट ब्रेड खिलाते रहेगा और वाइट ब्रेड आपका रोज़ वो नया मंगाएगा क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं सबको ये कहती हूँ कि इसमें वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फाइबर जो है जिसके लिए होल वीट ब्रेड खा रहे हो इट इज़ इक्विवेलेंट टू मे बी टू स्लाइसेस ऑफ़ एप्पल वो तो आप टू स्लाइस एप्पल खा लो वो फाइबर hmm. के लिए तो ब्रेड को लेकर आई डोंट नो मैं ये बात शायद मैं कल्चरली भी कह रहा हूँ क्योंकि ब्रेड uh, इतना खाया जाता है, it's mostly like rotis, hmm. पर मैं ब्रेड से दूर रहता हूँ क्योंकि वो पैकेट से निकल के आई जे डों पैकेट आई एग्री तो जैसे सावरडो है that हाँ. is, उसमें. इस, इस, इसके बारे में बात करना क्योंकि शहरों में आजकल सावरडो बहुत लोग खाने लगे और बहुत टेस्टी रहता है <laughs> इतना टेस्टी क्यों है वो वेल बिकॉज उसमें यीस्ट नहीं होता और वो नेचुरल रूप से फर्मेंट किया जाता है तो बहुत अच्छा होता है सावरडो उसमें यीस्ट के कुछ अब खुद के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं तो आ, मैं मानती हूँ कि अगर मुझे चॉइस मिला जाए रोटी खाना है ब्रेड खाना खाना है तो मैं हमेशा रोटी ही चूज़ करूँगी बिकॉज़ वो उसमें सोडियम नहीं होता रोटी में अगर नमक नहीं डाल के बनाया उसमें प्रेजर्वेटिव नहीं होता जिससे कि और फर्मेंटेड नहीं होता रोटी नॉर्मल होता है जो कि ब्रेड में वो सब होता है तो हमेशा ब्रेड वर्सेस रोटी में रोटी ब्रेड वर्सेस सावर्डो में ऑल सावरडो ठीक है कितना सावरडो खा सकते हैं वही। ही दो ही छोटा बेसिकली काब्स को लेकर मोस्टली ध्यान में ये रखना चाहिए कि क्वांटिटी हल्के से कम होनी चाहिए मोर देन द क्वांटिटी हल्के से कम बैलेंस होना चाहिए फॉर द शुगर को हमारे ब्लड में राइज़ नहीं हो और पैनक्रैस पे प्रेशर नहीं पड़े ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए कि कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है दैट इज़ यही सबको समझना चाहिए कि अगर आप ब्रेड खा रहे हो तो अंडा खाएँ दही खाएँ पनीर खाएँ चीज़ खाएँ दूध लें और अगर आप रोटी खा रहे हो तो उसके साथ में दाल और थोड़ा दही लें और सब्जी लें बस इसी चीज़ का बैलेंस रखना राइस के साथ में आप दही ले लें या सांभर ले लें तो ये बैलेंस हो जाता है और कुछ नहीं है इट्स ऑल अबाउट बैलेंस तो अगर काब्स की क्रेविंग हो रही है तो काब्स अकेले कभी मत खाओ उसको प्रोटीन के साथ खाओ यस ग्राउंड रूल यही है और कम खाओ ओके okay. कुछ एंड वाले रूल्स है कॉमन मिस्टेक्स या कॉमन क्वेश्चन जो आज के इस फैट लॉस स्पेशल में एड्रेस नहीं हुए हैं अकॉर्डिंग टू यू मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारों के लिए ये जो भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर के बहुत लोगों को पता है ये सब पर लोग मेंटल गेम नहीं जीत पाते फैट लॉस के साथ हाँ और ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं डाइट्स को एक्चुअली डाइटिंग फैट लॉस ये सिंपल चीज़ें हैं फ्रॉम इफ़ यू फॉलो द बेसिक्स पर मैंटेलिटी को कंडीशन करना वो इजी नहीं है खुद के दिमाग को कैसे ट्रेन करते हैं और आपके एक्सपीरियंस से आपने क्या देखा है? कि लोगों का सब हाँ। सबसे बड़ा फैट लॉस रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैंने देखा है अर्बन लाइफ में इज देर से खाना अल्कोहल लेना बाहर का खाना और मीठा खाना ये चार प्रॉब्लम्स हैं अगर ये चारों को आप कंट्रोल करते हो क्योंकि अभी और ट्रैवल क्योंकि आप बताएं, कोई भी एक ऐसा इंसान दें जो कि ट्रैवल नहीं करता एक ट्रिप नहीं लेता महीने में एक बार ट्रैवल जो कि 25 साल पहले साल में दो से तीन बार होता था अभी वो महीने में दो तीन बार हो गया है तो ट्रैवल में थोड़ा तो कंट्रोल छूट जाता है आप, आप एयरपोर्ट के खाने पे डिपेंड करते हो फ्लाइट के खाने पे डिपेंड करते हो सामने रेस्टोरेंट में बैठे रहते हो लोग खा रहे हैं खाना सामने पड़ा रहता है तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला फॉर्मूला भी नहीं काम करता तो इसके यही मैंने देखा है सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रैवल ईटिंग आउट एल्कोहल मीठा देर से खाना ज़्यादा खाना इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना और फिर योर फैट लॉस विल बेनिफिट एक सवाल नहीं पूछा आपसे अब तक आप प्रोटीन शेक्स में बिलीव कर दो या स्पेशली फोर वेजिटेरियंस यस क्योंकि वेजिटेरियंस uh, जो भी हमारे पास लोग आते हैं स्पेशली जो कि फोर्टी फाइव से बड़ी उम्र के होते हैं फिफ्टी फाइव सिक्सटी से तो अगर उनमें उनके डाइट में हमको कैलोरी डेफिसिट करना है तो हम कैसे करेंगे क्योंकि हमको उनको कुछ अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट देना पड़ेगा कुछ अमाउंट का प्रोटीन देना पड़ेगा फ़ैट देना ही पड़ेगा तो हम कैसे कैलोरी डेफिसिट लाएंगे तो हम उनको प्रोटीन शेक फॉर हेल्थ मेंटेनेंस देते हैं और नॉट फॉर मसल बिल्डिंग तो हम उनको बोलते हैं कि आप आ, आ, आपका मसल लॉस ना हो क्योंकि आप इस उम्र के हो और आपका हमको मसल मेंटेन करना है तो प्रोटीन देने से क्या होता है हमको उनका मसल मेंटेनेंस करना पड़ता है तो मेटाबॉलिज्म नहीं गिरता उनके बाल नहीं गिरने चाहिए फास्ट एसिडिस गिरते हैं तो और नहीं गिरने चाहिए तीसरा मसल लॉस नहीं होना चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि फोर्टी के बाद में एक्सेलरेट हो जाता है चौथा इम्यूनिटी क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी इम्यूनिटी बनती है क्योंकि एंटीबॉडीज़ आर मेड फ्रॉम प्रोटीन पांचवा होता है आयन क्योंकि आयन में हीमोग्लोबिन में ग्लोबिनस प्रोटीन है तो उनका आयन गिर जाता है और उसके बाद स्किन स्किन हमारा हर तीन चार महीने में झड़ता है वापस आता है तो स्किन अच्छा रखने के लिए हमको देना पड़ता है और ये सब इतने सारे रीज़न हैं इसके लिए हमको उनको प्रोटीन सफिशेंट डाइट देना ही पड़ता है इसके लिए टाइम वी हैव टू रिजॉर्ट टू अ प्रोटीन शेक बट उसको भी हम टेस्टी बना के देते हैं um. आई थिंक आजकल इंटरनेट पर और मैं भी ये मानता हूँ कि मेरे साथ भी ये हुआ पर आजकल इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा नैरेटिव है कि वे प्रोटीन पीने से पिम्पल्स हो सकते हैं लोगों को क्योंकि ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है बहुत सारे लोगों में आई थिंक इट बॉयज़ डाउन अगेन टू लैक्टोज इन टॉलरेंस सो यू आजकल जो वे प्रोटीन मिलता है उसमें लैक्टेज एडिड होता है तो अगर आप आइसो प्योर लेते हो तो उसमें नहीं होता प्रॉब्लम फॉर लैक्टोज इन टॉलरेंस ओके और एनीथिंग अबाउट प्लान प्रोटीन्स प्लांट प्रोटीन में इज पी प्रोटीन है सोया प्रोटीन है और ऑल दीज प्रोटीन्स आर देर सत्तू है बट उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी मात्रा में होते हैं और डायजेस्टिबिलिटी जितनी वे प्रोटीन की होती है वो प्लांट प्रोटीन की नहीं होती बट ऐसा नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट हैं हम हम लोग दोनों प्रोटीन में विश्वास करते हैं और जिसको जो चाहिए उनके डायजेस्टिबिलिटी के हिसाब से हम उनको एडवाइस करते हैं प्रोटीन के साथ में एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है कॉन्स्टिपेशन विथ प्रोटीन शेक्स और अगर काफ़ी लोग को पिंपल क्यों होता है क्योंकि वो प्रोटीन दूध में डाल के लेते हैं तो आप दूध में डाल के ना लें आमंड मिल्क में आमंड मिल्स में डाल के भी ले सकते हैं बादाम के दूध में जिससे कि उनको पिंपल्स नहीं होगा तब एंड में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि पानी भी पीना चाहिए दैट्स समथिंग पीपल इग्नोर अ लॉट आपने नोटिस किया है अपने करियर में कि बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों को भारत में पानी ना पीने की वजह से होता है काफ़ी लोग जैसे कि पानी कम पीते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली लगी रहती है प्यास बट वो लोग लेते हैं चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ें तो जब हमको भूख लगे तो पहले हमको पानी पीना चाहिए बिटवीन द फोर आवर गैप अगर आपको भूख लग रही है पहले ही दो ग्लास पानी पी लीजिए ना दिन में कितना पानी पीना चाहिए डिपेंडिंग ऑन अगर आप बहुत हाई ह्यूमिडिटी एरिया में हो जैसे कि बॉम्बे एक्सेट्रा तो मिनिमम टू और बहुत ड्राई एरिया में हो तो थ्री लीटर्स इज़ गुड एंड पानी बहुत ज़रूरी है बट एक्सेस वाटर इज़ ऑल्सो वेरी बैड फॉर यू एक्सेस कितना होता है ढाई तीन लीटर से ज़्यादा बहुत एक्सेस आप पूरे दिन टॉयलेट जा रहे हो वो एक्सेस हो गया और किडनी पे प्रेशर होता है ना आप ज़्यादा पानी पीते हो तो किडनी को तो फ्लैश आउट करना पड़ता है तो किडनी पे अननेसेसरी प्रेशर होता है ऑल्सो वाटर इनटेक इस पर भी डिपेंड करता है अगर आप एथलीट हो आप कितना बर्न कर रहे हो कितनी पसीने आ रहे हैं इन सब काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है फैट लॉस को लेकर हमने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एपिसोड है या yeah. नहीं अगर आप इसको सम अप कर दो कि दैट विल बी वेरी गुड ओके तो पहले दिन में चार मील होने चाहिए गुड प्रोटीन पर फोकस होना चाहिए उन मील्स में और कार्ब्स होने चाहिए फाइबर होना चाहिए फिर अगर बीच में भूख लगी तो आइडियली पानी पीना चाहिए कोकोनट वाटर पीना चाहिए अगर ज़्यादा भूख लगी तो चाय या कॉफ़ी ले लो Uh, फिर uh, आपको दूर रहना चाहिए अल्कोहल से uh, स्किपिंग मील से uh, एक्सेस अमेरिकन uh, या यूरोपियन डिजर्ट से <laughs> अल्पाहार हाँ uh, कि uh, पेट पूरा भरना नहीं चाहिए एट्टी परसेंट पोशन कंट्रोल पे ध्यान रखना चाहिए uh, एक्सरसाइज पे डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर सिर्फ वेट लॉस हुआ तो उसका मतलब ये भी है कि मसल लॉस होगा उसके साथ और मसल लॉस प्रिवेंट करना है अगर इस पूरे फैट लॉस की जर्नी को क्वांटिफाई करना है तो नॉट मोर देन वन परसेंट ऑफ बॉडी वेट ऑफ वेट लॉस पर वीक यस तो अगर आप सौ किलो के हो तो एक हफ्ते में सिर्फ एक किलो घटना चाहिए यस yes. और क्या बचा पानी भर भर के पीना चाहिए दो तीन लीटर तीन लीटर अगर आप ड्राई एनवायरमेंट में हो और आ, दो लीटर अगर आप ह्यूमिड एनवायरमेंट में हो mm. आ, अगर आप वेज हो तो प्रोटीन शेक्स लेने चाहिए आई गेस नॉन वेजिटेरियन भी ले सकते हैं बट या वेजिटेरियन के पास ऑप्शंस कम है तो ओके okay. सब्जी अलग अलग खानी चाहिए आ, बाहर का खाना अगर आप फैट लॉस पर फोकस कर रहे हो तो हफ्ते में सिर्फ एक बार जितना हो ये मेरा पॉइंट जितना हो सके थोड़े दिमाग को ट्रेन कर लो सिड वॉरियर डॉक्टर साहब के साथ एपिसोड देखा था उसमें बात हुई थी न्यूरो के बारे में कि आप अपने दिमाग का पैटर्न बदल सकते हो पूरी तरह से कि आप किस नज़रिए से दुनिया को देखते हो किस नज़रिए से जीते हो और किस नज़रिए से खुद को देखते हो ये बदल सकता है वक्त के साथ और ज़िंदगी के साथ तो थो मैं ये मानता हूँ एक बहुत कठोर रोजगार बट खुद के साथ थोड़ा हार्श होना ज़रूरी है हल्के से नॉट टू मच बट अगर ज़्यादा क्रेविंग हो रही है फाइंड एन ऑल्टरनेटिव मैं तो ये मानता हूँ कि

आई बिलीव कि घर पे प्रोसेस्ड खाना जितना कम ला सके उतना कम लाइए यस एनीथिंग एल्स मैम नहीं आई थिंक इट इज ऑल ऑल गुड ओके बहुत मज़ा आया आपके साथ आज बात कर मुझे भी बहुत मज़ा आया थैंक यू रणवीर एंड यू नो एक 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 खूबी होनी चाहिए किसी में कि जो आपके सामने बैठा है जैसे कि आप मैं आपके सामने बैठी हूँ तो किस तरह से मुझे कम्फर्टेबल करें और किस तरह से मेरे अंदर की जो चीज़ें हैं बाहर आनी चाहिए आई थिंक वो आप में बहुत बड़ी कला है बहुत बड़ी खूबी है वो Thank जो you. कि सब में नहीं होती और uh, मेरे अंदर जो है जो भी मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ इट्स नॉट ईजी कि बाहर आ जाए जब तक कि सामने वाला वो सही क्वेश्चन ना पूछे hmm. आपने बहुत अच्छे से सब क्वेश्चन पूछा एंड एम वेरी थैंक यू मैम वी इट अ लॉट बहुत कुछ सीखा Uh, इस पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी एज अ वुमेन्स स्पेशल एपिसोड और ये एक पूरा वेट लॉस सेंट्रिक एपिसोड बन गया uh, अगली बार हम उस टॉपिक को एड्रेस करेंगे जरूर तो एस्पेशली फॉर द लेडीज वाचिंग दिस कोई मैसेज है बिकॉज आई माय पर्सनल मैसेजेस कॉमेंट्स में ये बता दो कि क्या क्या जानना है वुमेन्स हेल्थ के बारे में उस हिसाब से हम एपिसोड uh, को डिजाइन करेंगे तो एनी मैसेज फॉर वुमेन स्पेशली सो so, वीमेन uh, के लिए क्या होता है कि वो उनकी लास्ट प्रायोरिटी होती हैं और उनको ये समझ नहीं आता कि वो अन्नपूर्णा होती हैं बिकॉज़ वही घर का सारा न्यूट्रिशन देखती हैं उन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार होता है तो उनको अपना ख्याल रखना चाहिए सबसे ज़रूरी सब अगर अपना हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो ही वो अपने पूरे परिवार का ख्याल रख पाएंगे और उनकी हर एज के नीड्स अलग होती हैं तो उनको वो समझना चाहिए फैट डाइट्स इंटरनेट से देख के बिलीव नहीं करना चाहिए जब तक उस साइंस से उसका बैकिंग ना हो और आ, आ, मैंने देखा है कि वो लोग ड्रॉप ऑफ हैड कि हाँ अब मैं दूध छोड़ दूँगी हाँ मैं, हाँ, मैं गेहूँ छोड़ दूंगी ऐसा नहीं करना चाहिए और एक्सरसाइज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है विमेन की उनको टाइम नहीं मिलता तो वो एक्सरसाइज को छोड़ देती हैं उसके वजह से वो जो बड़ी उम्र में पचास के साल में नी रिप्लेसमेंट है बैक में प्रॉब्लम है शोल्डर की सर्जरी है ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो एक्सरसाइज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विमेन शुड नॉट डू वेट ट्रेनिंग उनको भी वेट ट्रेनिंग करना चाहिए बट नॉट फॉर मसल बिल्डिंग फॉर मसल सिस्टेनेंस मसल को सस्टेन करने के लिए या पिलाटेज या योगा बट अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दे के अपने शरीर पर ध्यान दे के दे शुड ट्राई टू हैव दी एम टू लिव टिल वॉटवर एज एट्टी नाइन्टी हंड्रेड वॉटर हैज़ बीन रिटर्न एज द क्वान्टिटी द क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए तो मैं अपने हर क्लाइंट को एक ही बोलती हूँ आपका एक ही एम है या हमारा एम है आपके लिए कि नब्बे साल की उम्र तक बिना लकड़ी के आप चलो वही हमारा एम है आई wow. होप uh, कि लोग ये वाला एपिसोड अपने मम्मी के साथ <laughs> बैठ कर देखें। सुमन मैम थैंक यू। यू वी विल सी ऑन टी आर एस तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट सुमन मैम लौट कर आएंगी एक विमेन स्पेशल डेफिनेटली बनाने वाले हम अगली बार सुमन मैम के साथ आपके सवाल कमेंट सेक्शन में छोड़िए वी वांट टू लर्न अबाउट व्हाट योर प्रॉब्लम्स आप उन सारे प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करेंगे नेक्स्ट टाइम मैम बहुत ही जल्द लौट कराएगी टी आर एस पर तब तक उनके वेबसाइट उनके प्रोडक्ट्स भी चेकआउट कीजिए और लेवल सुपर माइंड बी और की खुद की माइंड परफॉर्मेंस ऐप को भी चेकआउट कीजिए भर भर के होम वर्कआउट्स डालें उस ऐप पर मेडिटेशंस डालें स्लीप स्टोरीज ताकि आपके स्लीपिंग के वक्त आपकी हेल्प हो जाए सारी चीज़ों का एक लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड बंदोबस्त करके रखा है हमारे सारे लेवल सुपरमाइंड के यूजर्स के लिए उस ऐप को हमने लिंक किया है नीचे एंड अनटिल नेक्स्ट टाइम गाइस टी आर एस विल बी बैक वेरी सोन सीखते जाइए ग्रो करते जाइए और फैट लॉस बरकरार रखिए